हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? प्लीज रिस्पॉन्ड। तो सॉरी सर फॉर डिले, जस्ट इट टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है टेक्निकली। दैट्स राइट, इफ यू आस्क पार्ट टू अपीयर फॉर गेट, नेविगेट बाय एन एकेडमी इज जस्ट फॉर यू। It is the largest and the most competitive scholarship test for GATE aspirants. सो वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लाइक प्लेटफॉर्म एंड एकेडमी, एंड दिस इज शकील पठान। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो होगा बॉयलर्स पर। सो आज बॉयलर्स पर हम काफी सारे टाइप के बॉयलर्स देखेंगे, काफी सारी लंबी स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाई है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर होने वाला है। इतना डिटेल में बॉयलर आई डोंट थिंक कि किसी ने पढ़ाया होगा या किसी बुक में आपको मिल जाएगा। तो आज बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ सभी तरह के बॉयलर जो है आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो आज बहुत लंबा सा ये लेक्चर स्लाइड्स मैंने बनाई है आप लोगों के लिए फुल विजुलाइजेशन के साथ। सो थोड़ा सा हमारा जो स्मॉल रिचुअल है, पहले हम लोग उसको कवर कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट अ ब्यूटीफुल सेशन फॉर बॉयलर्स, ओके। देखिए बॉयलर जो है हर एग्जाम में आता है, हर एक PSU में आता है, हर एक ESC एग्जाम में आता है और हर एक स्टेट लेवल के एग्जाम में आता है। गेट के सिलेबस में बॉयलर्स नहीं है बट हर एक गेट के एग्जाम में आता है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो है बॉयलर्स पूरी तरह से कहीं पर भी किसी बुक में ढंग से नहीं दे रखा है। तो आज जो है हम कंप्लीट करेंगे बॉयलर्स के जो जो एस्पेक्ट हैं जो ESC में पूछे जाते हैं या जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो थोड़ा सा हमारा रिचुअल है वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वेलकम यू ऑल इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, एंड दिस इज योर शकील पठान। आपको याद ही होगा जैसे कि नेवी गेट जो है इस संडे को होने वाला है, ये बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है फॉर गेट। यहाँ पर आप 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कीजिए कोड पठान एंड यू कैन ज्वाइन दिस टेस्ट, ओके। 1 घंटे का होगा, बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो, तो देइए जरूर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी। चलो इसी तरह से आप जानते हैं मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज ऑलरेडी चल रही है, जिसमें 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं जो हमारी टॉप एजुकेटेड टीम ने बनाया है। हर ब्रांच के अंदर मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज आपकी चल रही है। मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए केवल आप अप्लाई कीजिए पठान कोड एंड यू कैन ज्वाइन दिस सीरीज विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। जैसा कि आप लोग जानते हैं इवॉल्व फॉर गेट 2022 बैच जो है नए स्टार्ट होते जा रहे हैं, हर वीक जो है एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अभी इस वीक भी 19 मई को एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर गेट 2022। तो बाय द एप्लीकेशन ऑफ पठान एंड टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ प्लस आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात करें तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की अपने प्ले स्टोर से तो प्लीज डाउनलोड दिस ऐप, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़, स्ट्रक्चर कोर्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं अनअकैडमी वी हैव अ टॉप एजुकेटेड टीम। नहीं निशा, बस स्टार्ट होने वाला है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा 5 मिनट का रिचुअल होता है, मेरे को कंप्लीट कर लेने दो। थोड़ा सा हमारा प्रमोशन है, इतना तो बनता है भाई, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो इतना तो बनता है। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटेड टीम से पढ़ने का मौका मिलता है। आपको यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है पर्सनल कोच, पर्सनल टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर और स्टडी मटेरियल, ओके। और अगर सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करें तो 12 मंथ का आपको चार्ज पड़ेगा 30,250 रुपीज, और आप अगर पठान कोड अप्लाई करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ पड़ेगा 27,225 रुपये, ओके। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी आपके पास 2 स्लॉट में अवेलेबल, तो विद डिस्काउंट आपको 45,225 और 66,000 रुपीज़ का पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग हमारे जो लेक्चर है बॉयलर पे, दिट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बॉयलर। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बॉयलर जो होता है वो स्टीम पावर प्लांट का एक बिल्कुल इंटीग्रेट पार्ट होता है। बॉयलर का काम क्या होता है? बॉयलर का काम होता है स्टीम को जनरेट करना, और वो स्टीम कहाँ जाती है? वो स्टीम जाती है आपके स्टीम टरबाइन में, और स्टीम टरबाइन उस स्टीम से क्यूकर मैथमेटिक्स था। जिन लोगों को IAS देना है और जिनको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है वो क्यूकर मैथमेटिक्स बुक खरीद सकते हैं। इसके अंदर वैदिक मैथ दे रखी है, जिस वैदिक मैथ के थ्रू आप अपनी न्यूमेरिकल्स एबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। क्यूकर मैथमेटिक्स था बेटा, क्यूकर मैथमेटिक्स आती है एक बुक, ओके। चलिए वैदिक मैथ डाल लीजिए, वैदिक मैथ में बहुत सारे ट्रिक्स हैं, 17-18 वैदिक फॉर्मुलेज होते हैं, उनसे आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो।
चलिए आगे बात करते हैं। तो बॉयलर की हम बात कर रहे थे, बॉयलर का काम होता है स्टीम को जनरेट करना, लेकिन स्टीम को सुपर हीट करने के लिए हमारे पास अलग से होता है, इसको बोलते हैं सुपर हीटर। सुपर हीटर बॉयलर के बाहर लगा होता है, कुछ बॉयलर में सुपर हीटर बॉयलर के अंदर लगा होता है और कुछ बॉयलर में सुपर हीटर बॉयलर के बाहर लगा होता है। ओके, सो बॉयलर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन। अब आज जो हम लोग देख रहे हैं बॉयलर, ये देख रहे हो आप, इस तरह का बॉयलर होता है, आपको दिखा होगा, और बॉयलर के साथ चिमनी लगी हुई होती है। सो मेन एसेसरी जो है हमारी बॉयलर की, पहले हम उस पर फोकस कर लेते हैं जो बार बार आता है। ये एक मेन लाइट डायग्राम आपको बना रखा है। बॉयलर का काम क्या है? बॉयलर काम स्टीम जनरेट करना है, ठीक है। सुपर हीटर अलग लगा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। तो देखिए बॉयलर में क्या होता है, ये हमारा बस सपोज बॉयलर है, तो यहां पर क्या होता है, एयर एंटर करता है, और एयर एंटर करता है से पहले ये पास होता है प्री हीटर से। ये प्री हीटर वो होता है, यहां से आपकी कंबशन गैसेस पास हो रही होती है, जो कि फाइनली कहां चली जाएगी, चिमनी में से बाहर निकल जाएगी। चिमनी में से जो धुआं निकलता रहता ना, वैसे धुआं बन के वो बाहर निकल जाएगी। तो ये कंबशन गैसेस कहां से आती है, जो हम लोग कंबशन चैम्बर में कोयले को जलाते हैं तो वहां से जो कंबशन गैसेस बनती है वो चिमनी से बाहर निकलती है। तो इस कंबशन गैसेस को हम एयर प्री हीटर से पास कराते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये लाइन डायग्राम आपको कंबशन चैम्बर में एंटर करेगी। कंबशन चैम्बर में क्या होता है, कंबशन चैम्बर में कोयला होता है। अब कोयले को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होगी, एयर की रिक्वायरमेंट तो होगी, बिना एयर या बिना ऑक्सीजन के तो कोई चीज जलेगी नहीं ना, तो इसलिए एयर की हमें शक करना पड़ता है। तो हम इस एयर को एयर प्री हीटर के थ्रू पास कराते हैं पहले, जिससे कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारा जो कम्बशन प्रोसेस होता है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब कम्बशन जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम इनलेट एयर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं थ्रू द एयर प्री हीटर। इज दैट क्लियर? अब ये एयर कहाँ जाती है, ये बेसिकली एयर जाती है तुम्हारा कोयले में, हमारे पास भट्टी होती है उसके अंदर जाती है, वहां पर कोयला बर्न होता है और कोयला क्या करता है, हीट सप्लाई करता है किसको, बॉयलर को। ओके, तो यहां से हीट बॉयलर में ऐड हो रही है, तो ये हीट ऐड हो रही है, हीट एडिशन हो रहा है बॉयलर में। दूसरा, बॉयलर के अंदर यहां पर फीड पंप लगा होता है, फीड पंप के थ्रू पानी आता है, पानी जाएगा तभी तो स्टीम बनेगी। तो ये पानी जो है वो इकोनोमाइजर से पास होता है। इकोनोमाइजर हम लोगों ने देखा है, इकोनोमाइजर जो है एक केवल एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है, जिसको रीजनरेशन भी हम कहते हैं। ये बेसिकली आपके फीड वाटर के टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, जिससे कि बॉयलर के अंदर आपको कम हीट ऐड करनी पड़ेगी, जो कि हमारी साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। तो इकोनोमाइजर क्या करता है, फीड वाटर को हीट करता है। अभी इकोनोमाइजर में भी कुछ नहीं है, एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, जिसमें से जो फ्लू गैसेस बाहर निकलने वाली है, चिमनी में जाने वाली, उसकी हेड को, हीट को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फीड वाटर को थोड़ा सा हीट अप कर सकते हैं। ओके, सो ये इकोनोमाइजर क्या करता है, हमारी साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। ओके, तो ये इकोनोमाइजर का काम है। उसके बाद यहां पर हमारा वाटर चला जाता है, तो यहां पर हमने वाटर ऐड कर दिया। ओके, अब जब कंबशन होगा, कोयला जलेगा, तो कोयले से जलने के बाद यहां से जो बाहर निकलेगा वो क्या होगी, ऐश होगी, ऐश गिर जाएगी, राख गिर जाएगी। अब यहां पर जो वाटर बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद स्टीम बनती है और ये स्टीम इस बॉयलर से बाहर निकलती है, स्टीम बनती जाती है और बॉयलर से बाहर निकल जाती है। उसके बाद ये स्टीम जाती है सुपर हीटर में, जहां पर ये सुपर हीट होगी, इसका टेम्परेचर जो है सेचुरेटेड टेम्परेचर से हाई होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, और उसके बाद फाइनली ये इसको हम कहाँ भेज देंगे, फाइनली हम इसको टर्बाइन में सप्लाई कर देंगे, जहाँ पर टर्बाइन इस स्टीम से, इसके स्टीम का जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो टर्बाइन में ड्रॉप होगा, टर्बाइन रोटेट होगा। तो ये पूरा हमारा डिवाइस है। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? अब एक चीज आप नोटिस करिए कि यहां पर मैंने देख रहा है बॉयलर और सुपर हीटर के बीच में कनेक्शन है, तो भैया बॉयलर और सुपर हीटर के बीच में क्या कनेक्शन होता है? भैया बॉयलर में तो हम डायरेक्टली हीट सप्लाई करते हैं, और सुपर हीटर में जो हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर राइज करते हैं वो किससे करते हैं, जो कंबशन गैसेस हैं, जो कोयले को जलने के बाद जो फ्लू गैसेस बनती है, उस फ्लू गैसेस से हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर राइज करते हैं। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर बॉयलर के अंदर ही आपने सुपर हीटिंग क्यों नहीं कर ली, आपने सुपर हीटर अलग क्यों लगाया? तो मुन्ना एक चीज मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, वो कंसेप्ट ये है कि आप अपने घरों के अंदर पानी को बॉयल करना, एक बार करोगे नहीं करोगे पानी को बॉयल करना, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, आप करके देख लेना, पानी को बॉयल करना और इसके अंदर थर्मामीटर डालना, क्या करना इसमें, थर्मामीटर डालना। ओके, इसको बॉयल करना, तुम आराम से थर्मामीटर डालना, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर जैसे जैसे पानी बॉयल होता जाएगा,
होता जाएगा। एक टाइम बाद पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और पानी क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे सरफेस होने लगेगी, दैट इज नोन एज बॉइलिंग। आफ्टर द बॉइलिंग स्टार्ट, बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद, बॉइलिंग जब स्टार्ट होगी तब 100 डिग्री सेल्सियस आपका थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करेगा। हाँ, बॉइलिंग होगी एंड इवोपरेशन होगा। यस यस यस, इवोपरेशन होगी, यहां से निकल जाएगा विद्यु। आफ्टर द बॉइलिंग स्टार्ट, बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद जब तक एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर का स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता था, तब तक यहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। टेम्परेचर राइज नहीं होगा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि बेसिकली आप जब स्टीम कन्वर्ट करते हो, जब आप पानी को स्टीम में बनाते हो, तो फिर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ फेस चेंज का प्रोसेस है। और हम लोग जानते हैं यस इवोपरेशन भी होता है, यस इवोपरेशन होता है, तो वो इवोपरेशन से जो स्टीम बन रही है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बाहर निकल गई, 100 डिग्री सेल्सियस से बाहर निकल गई जो इवोपरेशन से स्टीम बनी वो तो बॉयलर से बाहर निकल जाएगी। बॉयलर ऐसे थोड़ी होगा कि बिल्कुल क्लोज करके बैठे हो, तो बॉयलर से लगातार स्टीम सप्लाई होती रहेगी, तो स्टीम यहां पर बनेगी, इवोपरेट होगी और बाहर निकल जाएगी। लेकिन जिस टेम्परेचर पे बाहर निकलेगी वो तो कौन सा टेम्परेचर होगा, वो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा। वैसे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है क्योंकि बॉयलर के अंदर प्रेशर हाई होता है, तो ये 300 या 200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो स्टीम है उस टेम्परेचर पे स्टीम बॉयलर से बाहर निकल जाएगी। फिर उसको हम सुपर हीटर में भेजते हैं जहां पर इसका टेम्परेचर सेचुरेटेड टेम्परेचर राइज होता है, क्योंकि सुपर हीटर में जब आता है गैस तो अब क्या है, ये खाली आपकी स्टीम है, इट इज देर इज नो वाटर, ओनली स्टीम। तो इस स्टीम का टेम्परेचर हम अब फ्रीली राइज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस। तो ये फ्लू गैसेस यहां से बाहर जाती है, इनका टेम्परेचर अराउंड 800 डिग्री 900 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, तो ये इसको टेम्परेचर को राइज कर देती है। कहां तक राइज करती है, 600 डिग्री सेल्सियस तक राइज करती है, 600-700 डिग्री सेल्सियस तक इसके टेम्परेचर को राइज करती है। तो स्टीम से जब बॉयलर से स्टीम निकलती है तब ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। उसके बाद ये सुपर हीटर में जाती है जहां पर इसका टेम्परेचर फर्दर राइज होता है, और फिर जाके इसको हम लोग कहाँ भेजते हैं, इसको हम भेजते हैं स्टीम टर्बाइन में, क्योंकि हम जानते हैं कि सुपर हीटेड स्टीम से हमको ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। तो ये पूरा कहानी बनती है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुपर हीटर हम अलग से लगा रहे हैं। विदु भूषण बात समझ में आ गई, भूषण बात यह है कि इवोपरेशन हो रहा है, वो इवोपरेटेड हीट कहां चल जाएगी, स्टीम। ओके, आई विल कंडक्ट अ डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर द कंप्रेसर एंड एनीबडी, कोई दिक्कत नहीं, आई विल कंडक्ट। तो पहले हम लोग इस पे फोकस कर लेते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो सब हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये इसका लाइन डायग्राम है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, इज दैट एनी प्रॉब्लम। भूषण समझ में आया बात, भूषण अभी भी कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा मेरे को, किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ओके ना, इकोनोमाइजर क्या होता है, इकोनोमाइजर का काम होता है जो फीड वाटर, जो बॉयलर में पानी जाएगा ना उसको थोड़ा सा गर्म कर दोगे आप। कहां से गर्म करोगे, जो हमारी कंबशन गैसेस निकलेगी, कोयला जलने के बाद जो गैसेस निकलेगी उससे हम थोड़ा सा पानी को गर्म करके भेजते हैं, जिससे कि हमें बॉयलर में कम हीट ऐड करनी पड़ेगी। तो हीट एडिशन कम हो जाता है तो साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इस इकोनोमाइजर का मतलब है सीधा सा, ये एक हीट एक्सचेंजर है। इसकी डिजाइन हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, जब हम लोग एसेसरीज में पढ़ेंगे तो हम माउंटिंग और ठीक है एसेसरीज में जब हम इसको पढ़ेंगे तो वहां पर हर चीज पढ़ेंगे, इकोनोमाइजर का डिजाइन क्या होगा, एयर फिल्टर कैसा दिखेगा, सुपर हीटर कैसा होगा, इसके बारे में वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इकोनोमाइजर का फंक्शन क्या है, इकोनोमाइजर का फंक्शन है फीड वाटर को गर्म करना। यहां तक क्लियर है? अरे भाई यस ओ नो कह दो। देखो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, जब अगर आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, तो आप यस ओ नो कह दो माय डियर फ्रेंड। अगर नहीं समझ में आया, नई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे नो कहो, तो मैं उस हिसाब से मॉडिफाई कर लूंगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ो। नो सर। हाँ भूषण, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। भूषण क्या समझ में नहीं आया बेटा ये बताओ मुझे बस।
क्या समझ में नहीं आया बेटा भूषण, ये मुझे बता दो तो मैं वापस बता दूंगा, क्या समझ में नहीं आया? क्योंकि होता क्या है, मैं वही बता रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आया बस वो मेंशन कर दो, जो चीज नहीं समझ में आई वो मेंशन कर दो, तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। देखो यार एक चीज मैं फ्रेंकली आपको बताता हूँ कि व्हेन ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ बच्चे बोलते हैं कि ये नहीं आया। ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज हो रही है कि बच्चे नहीं बोल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में हम एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है कि भाई बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आया, कौन सा पॉइंट आया कौन सा नहीं आया। यहाँ तो यार तुम लोग बोलोगे नहीं तब तो कैसे मुझे पता चलेगा? मुझे बता दो जो चीज़ नहीं समझ में आई, मैं दोबारा बता दूंगा, हो सकता है दूसरे वे में बता दूँ, मेरे पास तो 50 वे हैं एक चीज़ को समझाने के। अब आपको कौन सा सूट करता है ये तो आप ही बताओगे ना। चलिए सो माय डियर फ्रेंड, चलिए मैं, हाँ भूषण जो तुम्हारा डाउट था कि इवोपरेशन होगा तो वो इवोपरेशन होता है बेटा, तभी तो बॉयलर है, बॉयलर में लगातार इवोपरेशन होता जाता है, और वो इवोपरेशन जो हो रहा है वो ओके, तो जो स्टीम निकलेगी वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड टेम्परेचर पे वो स्टीम निकलेगी। लेकिन जब हम स्टीम टर्बाइन में स्टीम को भेजते हैं तो कुछ हायर एलिवेटेड टेम्परेचर पे भेजते हैं ओके, तो उसके लिए हम सुपर हीटर फिर अलग से लगाते हैं। सुपर हीटर कुछ और नहीं होता, एक ट्यूब्स होती है, अभी आप बॉयलर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, सुपर हीटर कुछ नहीं होता, अलग से ट्यूब लगी होती है बस। हाँ सुपर हीटर का काम होता है सेचुरेटेड ओके, सेचुरेटेड स्टीम को हायर टेम्परेचर पे सुपर हीटेड में। आपने रैंकिन साइकिल तो देखी थी ना, रैंकिन साइकिल में क्या होता है, देखिए ये यहां तक तो आपका बॉयलर होता है, ये आपका बॉयलर, यहां तक आपका बॉयलर ले जाता है, उसके बाद जो टेम्परेचर राइज होता है वो सुपर हीटर में होता है, सुपर हीटर के अंदर ये टेम्परेचर राइज होता है, इसको सुपर हीटिंग कहते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉयलर सर, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, देखिए क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो हम लोग कैसे बॉयलर रखा हुआ है उसके हिसाब से करते हैं, भाई हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, वर्टिकल रखा हुआ है या इंक्लाइंड रखा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे। अब हॉरिजॉन्टल अगर हम बॉयलर रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा स्पेस खाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल रखने का फायदा ये होता है कि हम लोग इंस्पेक्शन या रिपेयरिंग वर्क आराम से कर पाएंगे, लेकिन वर्टिकल रखेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, तो रिपेयरिंग वर्क इंस्पेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ओके, और इंक्लाइंड भी हम लोग कर सकते हैं। तो बॉयलर्स के अलग अलग टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन की बात करें। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो ईएससी के अंदर हजारों बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायर ट्यूब बॉयलर कौन सा है, वाटर ट्यूब बॉयलर कौन सा है, सो माय डियर फ्रेंड नाम याद रखना है आप लोगों को, क्या याद रखना है, नाम याद रखना है। ये ईएससी में हजारों बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नाम दे दिया गया है भैया ये बॉयलर है बताओ कौन सा है, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब। देखिए फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब क्या है, अगर ट्यूब के अंदर फायर फ्लो हो रही है तो वो फायर ट्यूब, अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको वाटर ट्यूब बॉयलर कहेंगे। अब देखिए फायर ट्यूब बॉयलर द होट गैसेस आर इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर इज अ सराउंडेड द ट्यूब, तो वाटर क्या होगा ट्यूब के सराउंडेड होगा और होट गैसेज जो है फ्लू गैसेज जो है वो ट्यूब के अंदर पास होगी, इनको हम कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। सो वाटर ट्यूब बॉयलर जैसे कि बहुत सारे वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं, कॉकरेन, लैंकशायर, लोकोमोटिव बॉयलर, ये सारे के सारे वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं। ठीक है तो इनको एक एक करके हम लोग नाम बता देंगे। अब उसके बाद आता है हमारा फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर है हमारे पास कॉकरेन, लैंकशायर एंड लोकोमोटिव। उसके बाद आता है वाटर ट्यूब बॉयलर दैट इज बैबकॉक एंड विलकॉक्स, स्टीलिंग एंड येरलो। बेसिकली मेनली ये तीन ही होते हैं, बैबकॉक, विलकॉक्स, स्टीलिंग एंड येरलो। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इसका मैं शॉर्टकट अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, जब सारे बॉयलर हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक कहानी बना देंगे इसका। आई एम नॉट डूइंग अभिषेक गौरव, आई एम नॉट डूइंग बॉयल अभिषेक, अभी मैं केवल बॉयलर पढ़ा रहा हूँ, एसेसरीज मैं कल वाले लेक्चर में लूंगा। ठीक है एसेसरीज मैं कल वाले लेक्चर, माउंटिंग एंड एसेसरीज मैं कल वाले लेक्चर में लूंगा, आज मैं बॉयलर, बॉयलर के फंक्शन, बॉयलर के कंसेप्ट, इसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आता है आपका एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर और इंटरनली फायर्ड बॉयलर। आएगा यस, होट गैसेस वही है जो कोयला बर्न करने के बाद जलता है ना, धुआं निकलता है, उसी को होट गैसेस कह रहे हैं, सिगरेट जलने के बाद जो धुआं निकल रहा है वही होट गैस है तुम्हारी। ठीक है उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर और इंटरनली फायर्ड बॉयलर। अगर शेल के बाहर जो है वो फायर जल रही है तो उसको एक्सटर्नली फायर बॉयलर कहेंगे, और अगर शेल के अंदर ही
फायर जल रही है, आग जल रही है, तो उसको इंटरनली फायर बॉयलर कहेंगे। ये अगर अभी आप डिजाइन देखोगे तो इससे यहां पर समझ में आ जाएगा। उसके बाद होता है फोर्स सर्कुलेशन एंड द नेचुरल सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे, सर्कुलेशन इन द बॉयलर, इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हमारा फ्लूड जो है नेचुरली सर्कुलेट हो रहा है, अरे बहुत सारे पिक्चर बेटा, एक नहीं हजार पिक्चर, ये देखो जा पिक्चर हजार है, एक नहीं है। मैंने बोला ना बहुत लंबा इसको लेक्चर बनाया मैंने, एक नहीं है बेटा, हजार पिक्चर डाली है मैंने इसमें, टेंशन ही मत लो तुम, बहुत सारी पिक्चरें डाली हुई। ओके, सब चीज समझ में आ जाएगी, जस्ट अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, सो एक्सटर्नली फायर बॉयलर एंड इंटरनली फायर बॉयलर, बाहर आग जल रही है, अंदर फोर्स सर्कुलेशन, मतलब अगर आप पंप के थ्रू सर्कुलेशन कर रहे हो तो फोर्स, और अगर नेचुरली सर्कुलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस, तो उसको नेचुरल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर, अगर हमारा प्रेशर जो है 80 बार से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसको हाई प्रेशर कहते हैं। ग्रेटर देन 80 बार अगर बॉयलर प्रोड्यूस कर रहा है प्रेशर, तो फिर उसको हम बोलेंगे हाई प्रेशर बॉयलर, और लेस देन 80 बार है तो उसको बोलेंगे हम लोग लो प्रेशर बॉयलर। ओके, तो हाई प्रेशर बॉयलर ग्रेटर देन 80 बार, लो प्रेशर बॉयलर लेस देन 80 बार, तो दैट इज नोन एज हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर। ओके, जितने भी हमारे पास फायर ट्यूब बॉयलर हैं, जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर हैं, वो हमारे पास लो प्रेशर बॉयलर होते हैं, और हमारे पास जो वाटर ट्यूब बॉयलर है वो जनरली हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे डिटेल में। इसी तरह से होता है कुछ बॉयलर जो है एक ही जगह होते हैं, कुछ बॉयलर जो है पोर्टेबल होते हैं, जैसे कि लोकोमोटिव बॉयलर या कॉर्निश बॉयलर, तो ये पोर्टेबल मूवेबल बॉयलर होते हैं, तो अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से। अब जो मेन जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो ये होता है कि डिफरेंस इन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हम लोग, पहली कंडीशन ये है कि जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है उसके अंदर ट्यूब में क्या भेजती है, फ्लू गैसेस, कंबशन गैसेस, हो सकता है ट्यूब में आग भी फ्लू कर रही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये हमारा फायर ट्यूब बॉयलर है, तो यहां पर देखिए आपका ये रहा, दिस इज अवर फायर ट्यूब बॉयलर। तो ट्यूब में क्या फ्लो कर रहा है, ये देखो कंबशन गैसेस यहां पर जली, और कंबशन गैसेस जल के कहां जा रही है, ट्यूब्स में जा रही है। तो इस ट्यूब्स में बेसिकली क्या फ्लो हो रहा है, फ्लू गैसेस फ्लो हो रही है, तो ये फायर ट्यूब बॉयलर होगी। यहां पर भी देखिए आपको, यहां पर कोयला जला और कोयला जल के कहां जा रहा है, ये ट्यूब में जा रहा है और चिमनी के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो अंदर जो ट्यूब्स हैं इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ये आपका फायर, या फिर हम लोग बोले कंबशन गैसेस जो है वो फ्लो हो रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर कहेंगे, ठीक है। सो फायर ट्यूब बॉयलर का अंदर जो ट्यूब्स होती है उनके अंदर कंबशन गैसेस भेजती है, और आसपास क्या होगा, वाटर की जैकेट होगी। सो हॉट गैसेस इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर आउटसाइड द ट्यूब, दैट इज नोन एज फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर क्या होगा, वाटर इनसाइड द ट्यूब फ्लो होगा। तो एक वाटर ट्यूब बॉयलर मैं आपको दिखा रहा हूं। सो देखिए ये हमारा है, दिस इज द, ये रहा, दिस इज द वाटर ट्यूब बॉयलर। ओके, सो इस वाट, जहां जहां ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, यहां पर क्या है, वाटर है। तो ये सारी ट्यूब्स में क्या हो रहा है, वाटर बह रहा है, और जो आग जल रही है फ्लू गैसेस है वो बाहर है, बिल्कुल आउटसाइड है। तो ये कौन सा बॉयलर है, इट इज नोन एज वाटर ट्यूब बॉयलर। सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल बॉयलर अभी बता दूंगा मैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जब हम लोग टीएस डायग्राम बनाते हैं, तो एक ऐसा प्रेशर आता है, ये एक पॉइंट आता है जहां पर क्या होता है, डायरेक्टली लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली लिक्विड वेपर में कन्वर्ट, इसे बोलते हैं हम क्रिटिकल प्रेशर। ओके, तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ये इतना हाई प्रेशर होता है कि यहां पर लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तो जो बॉयलर इस प्रेशर के ऊपर वर्क कर रहे हैं उनको हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर कहते हैं, और जो बॉयलर इस प्रेशर के नीचे वर्क कर रहे हैं उनको हम सब क्रिटिकल बॉयलर कहते हैं। ओके, तो ये बॉयलर, ये पॉइंट होता है, ये प्रेशर होता है, एट पर्टिकुलर प्रेशर
जिस पर हमारा लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर रीजन. सो दिस बॉयलर इज नोन एज सुपर क्रिटिकल बॉयलर. तो अगर पीआर से हाई प्रेशर पे वर्क कर रहा है तो फिर वो सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, या पीसी से हाई सुपर क्रिटिकल बॉयलर है. और अगर इससे नीचे वर्क कर रहा है तो फिर वो आपका सब क्रिटिकल बॉयलर है. बस इतना सा डिफरेंस है. अब फायदा क्या होता है सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल का? देखिए, सुपर क्रिटिकल बॉयलर जनरली हम लोग ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं जहां पर बॉयलर प्रेशर बहुत हाई होता है. जैसे कि हम लोग बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, जहां पर बहुत हाई बॉयलर प्रेशर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं. यस, तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर में होगा क्या कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो जीरो हो जाएगा. और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जीरो होने से क्या होगा, देयर विल बी नो यूज ऑफ ड्रम. मैं अभी बताऊंगा, ये जो ड्रम आप यूज कर रहे हो ये आप तभी तक यूज करते हो जब आप सब क्रिटिकल बॉयलर यूज करते हो. ये जो आप ड्रम यूज कर रहे हो ना, वाटर ड्रम, इसको कहते हैं वाटर ड्रम. तो ये वाटर ड्रम हम तब तक यूज करते हैं जब हम सब क्रिटिकल बॉयलर यूज कर रहे हैं, जब तक हमारा प्रेशर जो है वो सुपर क्रिटिकल प्रेशर से नीचे है. लेकिन जब हमारा प्रेशर सुपर क्रिटिकल प्रेशर से बहुत हाई हो जाता है, देन देयर इज नो नीड ऑफ दिस ड्रम एक्चुअली. और फिर उस तरह के बॉयलर को हम कहते हैं ड्रमलेस बॉयलर. नाम आगे सुनोगे आप लोग, बेंसन बॉयलर, वेलक्स बॉयलर, तो उनके नाम आप सुनोगे, उनको हम कहेंगे ड्रमलेस बॉयलर. देयर विल नो ड्रम. ओके, सो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. ठीक है, आराम आराम से भी चलते हैं. ओके, बात समझ में आई बेटा? सो वो बॉयलर फिर हमारे ड्रमलेस बॉयलर के नाम. नेक्स्ट आता है हमारा मोड ऑफ फायरिंग. जनरली इंटरनली फायर में, अभी आपने देखा था कि यहां पर जो फायर हो रही है फायर ट्यूब में, वो अंदर हो रही है, पूरा ट्यूब वगैरह के अंदर हो रही है. यस यस, वाटर के लिए, वाटर के लिए. ओके, चलिए. सो मोड ऑफ फायरिंग जनरली इंटरनली फायर्ड होता है. और मैंने अभी आपको वाटर ट्यूब बॉयलर दिखाया था, जहां पर बाहर आग जलती है तो एक्सटर्नली फायर्ड होता है. ऑपरेटिंग प्रेशर जो है 16 बार के अराउंड होता है, 16 बार के अराउंड होता है. जो मैक्सिमम बॉयलर प्रेशर होता है 16 बार के अराउंड होता है. इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि जहां पर लार्ज पावर प्लांट होंगे, जहां पर आपको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा हाई बॉयलर प्रेशर जरूरत होगी, वहां पर फायर ट्यूब बॉयलर आप यूज नहीं कर पाओगे. ओके, देखो यार, बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन में कोई फर्क नहीं है. बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. यहां पर होता क्या है, बस एक ही चीज के दो पहलू हैं. बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या फर्क, कुछ नहीं है. एक चीज, चलो ये एक बच्चा पूछ रहा है कि सर बॉयलर बॉइलिंग करता है, ऐसे क्या है? ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दिमाग में. चलो कोई बात नहीं, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है. अब देखिए, अगर हम वाटर का प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम बनाए तो ऐसे बनता है. यहां पर इसका सॉलिड रीजन होगा, यहां पर लिक्विड रीजन होगा, और यहां पर वेपर रीजन होगा. अब देखो, वेपराइजेशन शब्द तुमने आरएसी में सुना होगा, और बॉइलिंग शब्द आप लोग सुनते हो जनरली पावर प्लांट के अंदर. सो एट द एंड ऑफ द स्टोरी यह है कि अगर मुझे लिक्विड से वेपर में बदलना है, लिक्विड से वेपर में बदलना है, ठीक है, लिक्विड से वेपर में बदलना है, तो मेरे दो तरीके हैं. एक तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊं बट प्रेशर इज कांस्टेंट, तो फिर मैं सॉलिड से लिक्विड में जाऊंगा, लिक्विड से वेपर में जाऊंगा. दैट इज, तो यहां पर फेज चेंज हो सकता है व्हेन वाई टेम्परेचर इंक्रीजिंग. तो ये जो पॉइंट होगा जब मेरा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे. इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरली बॉइलिंग कहते हैं, कि जब हमारा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. अब आप बोलना, कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, एक ही बात है. तो ये मेरा सॉलिड है, और ये मेरा लिक्विड है, और ये मेरा वेपर है. अब देखिए, एक और कंडीशन हो सकती है जहां पर आपका लिक्विड से वेपर में बदल जाए, वो ये कि अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है. जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर,
टेम्परेचर तो पंप के इनलेट पर कांस्टेंट है क्योंकि वाटर आइसोथर्मल कंडीशन में, टेम्परेचर उसका सराउंडिंग के बराबर है, बट जैसे जैसे हम लोग सक्शन हेड बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द पंप डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है बट लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज, तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं वेपराइजेशन हो रहा है। भैया बात तो दोनों सेम है ना, बात दोनों सेम है कि भाई कहानी तो एक ही है कि जब लिक्विड वेपर में बदल रहा है तो भी बॉइलिंग हो रही है, और सो दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है। अभिषेक गौरव, मैंने अभी बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जब लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एनी फेज चेंज प्रोसेस, सो दैट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो बट लोग इसको अलग अलग रेफर करते हैं क्योंकि आरएसी में या पंप के अंदर जाओगे तो हमेशा वेपराइजेशन शब्द यूज करोगे, वेपर बनना यूज करोगे, वहां बॉइलिंग नहीं बोलोगे आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यार, मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जितना इंटरेक्टिव लेक्चर को बना सकते हो बनाओ, जितना डाउट पूछ सकते हो पूछो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तभी तो बच्चों को जो लास्ट में देखेंगे रिकॉर्डेड देखेंगे, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं तो उनके डाउट नहीं रहेंगे फिर, क्योंकि तुम लोग पूछ चुके होंगे वो सारे डाउट। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ लाइव का फायदा ही क्या है फिर। सो ऑपरेटिंग प्रेशर, मेरे को कोई शर्म नहीं है डाउट बताने से, अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं सिंपली सॉरी कर दूंगा, बट नेक्स्ट टाइम जरूर बता दूंगा। कैन वर्क अंडर अ हाई प्रेशर एज 100 bar, तो 100 बार से ऊपर वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो वाटर ट्यूब बॉयलर होंगे, एक बच्चे ने बोला था कि सर क्रिटिकल प्रेशर 221.1 bar के बराबर होता है, तो यस जो वाटर ट्यूब बॉयलर होंगे वही आपके बेसिकली सुपर क्रिटिकल बॉयलर होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन होता है वो लोअर होता है, इसके अंदर हायर होता है। इसके अंदर रिस्क ऑफ ब्रस्टिंग, जब प्रेशर ही लेस है तो ब्रस्टिंग का जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, इसके अंदर हाई होंगे। सूटेबिलिटी, ये नॉट सूटेबल फॉर लार्ज पावर प्लांट, क्योंकि यहां पर बॉयलर प्रेशर लेस होता है, इट इज सूटेबल फॉर द लार्ज पावर प्लांट। फ्लोर एरिया, जो फायर ट्यूब बॉयलर है वो फ्लोर एरिया आपका मोर ऑक्यूपाई करेगा एज कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर का फ्लोर एरिया ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर ट्यूब। कंस्ट्रक्शन जो है वाटर ट्यूब का डिफिकल्ट होता है जबकि फायर ट्यूब का सिंपल होता है। ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट है, सिंपल है। शेल डायमीटर लार्ज है, इसका स्मॉल है। चांस ऑफ एक्सप्लोजन वो लेस है, इसके मोर है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पार्ट इज नॉट वेरी एक्सेसिबल एंड इट इज वेरी एक्सेसिबल। तो इतना याद रख लीजिएगा बस, सारी बुराइयां जो है वो फायर ट्यूब में और सारी अच्छाइयां जो है वो वाटर ट्यूब बॉयलर में है। तो सारी बुराइयां जो है वो हमारी फायर ट्यूब बॉयलर में है और सारी अच्छाई जो है वो हमारी वाटर ट्यूब बॉयलर में है। लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर थे जो पहले डेवलप हुए, बाद में वाटर ट्यूब बॉयलर आए, पहले फायर ट्यूब बॉयलर हमने डेवलप किया। क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ करने के लिए आपको कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से जूझना पड़ेगा जो कि अभी हम बताएंगे आपको। जैसे मैंने बताया आपको ड्रम डिज़ाइन, तो वहाँ पर कॉस्ट देखो, ऐसे अगर आप कंपेयर करोगे यार कि कॉस्ट ऐसे बताओ, तो ऑब्वियसली बात है कि जो वाटर ट्यूब बॉयलर है वो प्रेशर ज़्यादा राइज कर रहा है, ठीक है, थोड़ा इक्विपमेंट ज़्यादा होंगे, ट्यूब्स ज़्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। बट अगर आप बोलो कि दोनों सेम प्रेशर राइज करें फिर कॉस्ट किसकी ज़्यादा होगी, तो फिर फायर ट्यूब बॉयलर की ज़्यादा होगी, क्योंकि फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर फायर जल रही है, जिसकी वजह से जो ट्यूब की सरफेसेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो उस थर्मल स्ट्रेसेस को अवॉइड करने के लिए आपको ऐसे मटेरियल की ट्यूब बनानी पड़ेगी विच कैन सस्टेन एट हाई टेम्परेचर। जबकि वाटर ट्यूब में तो अंदर वाटर बह रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लगातार उसकी ट्यूब की कूलिंग होती जाएगी। तो बेसिकली जो फायर ट्यूब बॉयलर की जो ट्यूब्स होती है वो एलिवेटेड टेम्परेचर में रहती है, जिसकी वजह से उसके अंदर थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होती है, इसलिए हम कहेंगे फायर ट्यूब की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। बट चूंकि हमारा जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है वो हाई प्रेशर के लिए बनाया जाता है, तो फिर वो बड़ा प्रेशर के लिए साइज बढ़ जाता है, चीज़ें बढ़ जाती है, लेकिन वो प्रेशर भी तो ज़्यादा दे रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन ऑफ द बॉयलर। अगर हम किसी बॉयलर को सेलेक्ट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वर्किंग प्रेशर क्या है, उससे निकलने वाली स्टीम जो है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है। वैसे तो आइडियल केस में तो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए स्टीम व्हेन इट पास थ्रू द बॉयलर। तो नेक्स्ट आता है स्टीम जनरेशन रेट क्या है, कितना वो फ्लोर एरिया घेरता है, रिपेयर को कितनी आसानी से जो बॉयलर के पार्ट्स तक जाया जा सकता है उसको रिपेयर किया जा सकता है या उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है, कंपेरेटिवली इनिशियल कॉस्ट कितना है,
उसको लगाने के लिए इरेक्शन फैसिलिटी क्या क्या है, फ्यूल और वाटर की अवेलेबल क्या है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, तो इन सब बातों को ध्यान रखा जाता है व्हेन वी डिजाइन अ बॉयलर। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जो जिन बॉयलर्स की बात करेंगे उनका नाम है फायर ट्यूब बॉयलर्स, तो वी विल डिस्कस अबाउट द फायर ट्यूब बॉयलर। ओके, सो देखिए, आप जैसा कि देख सकते हो ये है फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर फ्लोर एरिया, बेटा देखो ये जो बॉयलर तुम्हारा रखा हुआ है ना, कितनी जगह में घेरा हुआ है, ये कितनी जगह में रखा हुआ है, इसको फ्लोर एरिया कहेंगे। तो कितनी जगह में तुमने इसको रख रखा है, इसी को हम लोग कहेंगे फ्लोर एरिया। ओके, कितनी जगह में आपने इसको रख रखा है, इसी को कहते हैं हम लोग फ्लोर एरिया। वेरी गुड बेटा। अब यहां पर क्या होता है, जैसे कि आप आते, सबसे पहले आता है सिंपल वर्टिकल बॉयलर। ये सबसे पहला था जो हम लोगों ने डिजाइन किया। इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है स्टीम का 2500 किलोग्राम पर आवर मात्र। ओके, और ये जो प्रेशर डेवलप कर सकता है वो है 7.5 बार टू 10 बार के अराउंड, मैक्सिमम 10 बार तक ये प्रेशर पर वर्क कर सकता है। तो ये सबसे छोटा बॉयलर था इनिशियल में डिजाइन किया गया है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि अंदर की तरफ फायर जलती है, और ये फायर से जो जलने वाली गैसेस है वो गैसेस बनेगी एंड दे विल पास थ्रू द चिमनी। अब इस पूरा सेटअप, जो ये पूरा कंबशन चैम्बर है, इसके आसपास वाटर भरा हुआ है, और कुछ वाटर को इस कंबशन चैम्बर के अंदर जो ट्यूब्स है उससे भी फ्लो किया जाता है, और वाटर की स्टीम बनती है और स्टीम यहां से पास हो जाती है बाहर। सो कंटिन्यूसली यहां पर स्टीम जनरेट हो रही होती है और स्टीम यहां से पास हो रही होती है। ठीक है, अब यहां पर अलग अलग आपके डिवाइस लगे हुए, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहां पर स्टीम स्टॉप वॉल। ओके, तो ये होता है कि जब हमको स्टीम के सप्लाई को बंद करना है तो उसको बंद करने के लिए स्टीम स्टॉप वॉल को यूज करते हैं। उसके बाद है ये सेफ्टी वॉल। कई बार बॉयलर के अंदर जो है प्रेशर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, तो ये सेफ्टी वॉल क्या करेगा, इसको ओपन करके उस स्टीम को बाहर निकाल देगा। कई बार हो सकता है कि जो वॉल है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, सप्लाई स्टीम नहीं हो रही, और आपका जो है बॉयलर के अंदर प्रेशर राइज होता गया, तो एक टाइम बाद बॉयलर फट जाता है। आपने एक न्यूज सुनी होगी कि एनटीपीसी के अंदर बॉयलर फट गया, 50 लोगों की डेथ हो गई। सो बॉयलर जो है फटना एक बहुत ही खराब चीज है। तो जैसा कि हमारे कुकर के अंदर हम सीटी लगाते हैं कि जब कुकर के अंदर प्रेशर हाई हो जाता है तो सीटी ऊपर उठ जाती है, तो सिमिलरली एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर हाई प्रेशर हो जाएगा तो ये सेफ्टी वॉल ओपन हो जाएगा और वहां से स्टीम बाहर निकल जाएगी। ये जो बीच में आप देख रहे हो ये आपकी चिमनी होती है, ये होता है मेन होल। मेन होल का मतलब, जैसा कि नाम है, मेन होल होता है वो होल जिससे कि आदमी जाए और अंदर जो है सफाई वगैरह कर दे। यहां पर वाटर गेज लगा होता है जो कि वाटर के लेवल को मेजर करेगा। यहां पर एक ट्यूब होती है जिसमें दिख रहा होता है वो साफ साफ कि क्या वाटर का लेवल है। ओके, यहां पर एक फ्यूजेबल प्लग लगा होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी आपका हैंड होल है जहां से हैंड से अंदर से हाथ जा सके जहां पर और सफाई की जा सके। ये होता है फायर होल। ओके, ये होता है फीड चेक होल। फायर होल होता है यहां से आप कोयला वगैरह डालोगे। ओके, ये क्रॉस ट्यूब्स होती हैं बेसिकली। ओके, ये आपका फायर बॉक्स जहां पर आग जल रही है, ग्रेट मतलब कोयला। ओके, ये आपका स्टीम स्पेस जहां पर स्टीम आपकी बनेगी। ये सिलेंड्रिकल शेल है पूरा का पूरा, और ये पूरा बीच वाला क्या कहलाता है, फायर बॉक्स कहलाता है। सो दैट वाज अ फर्स्ट बॉयलर जो हम लोगों ने डेवलप किया। तो ये बॉयलर कुछ ऐसे दिखता है आपका, जो साइड वाला डायग्राम आपको दे रखा है। सो फॉर लो पावर, लो स्टीम जनरेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका भाई, नेक्स्ट जो फायर ट्यूब बॉयलर जिसका एडवांस वर्जन था, इसको बोलते हैं हम कॉकरेन बॉयलर। कॉकरेन बॉयलर, सो कॉकरेन बॉयलर, इसके अंदर एक जो मेजर डिफरेंस है वो तो ये है कि फायर ट्यूब बॉयलर में जो सिंपल वर्टिकल बॉयलर था उसका जो ऊपर वाला शेप है वो फ्लैट है, जबकि इसका ऊपर वाला जो शेप है वो एक डूम शेप का है, जिससे कि यहां पर स्टीम ज्यादा कलेक्ट हो सकती है। पहला तो डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर जब फ्लू गैसेस बन जाती हैं, कंबशन गैसेस बन जाती हैं, सो दे विल पास थ्रू आ मल्टीपल ट्यूब्स, जिससे कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट आपका राइज हो जाएगा। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट आपका राइज हो जाएगा, ठीक है।
सो दे विल गो थ्रू दिस, और आफ्टर दैट उसके बाद ये चिमनी से निकलेंगे। तो ये बहुत सारी ट्यूब से पास होने के बाद यहाँ से चिमनी से निकलती हैं, जिससे कि आपकी जो इस बॉयलर की एफिशिएंसी है वो 70-75% होती है। ओके और ये कितना स्टीम आपका जनरेट कर सकता है, 20 किलोग्राम पर आर टू 3000 किलोग्राम पर आर। ओके और ये आपका लाइन डायग्राम दे रखा है। तो कॉकरेन बॉयलर आपको इस, ओके दिस इज द कॉकरेन बॉयलर इस तरह से। तो ये साइड में आपकी चिमनी होगी, चिमनी साइड में होगी, ये आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू दे रखा है आपको, दिस इज द कॉकरेन बॉयलर। ओके तो यहां से देखिए वो जो होल है, यहां से हम लोग कोयला वगैरह डाल देंगे। दिस इज द मेन होल, हैंड होल, ये छोटा सा इसका एक डायग्राम आपको दे रखा है, दिस इज नोन एज कॉकरेन बॉयलर। ओके सेम यहां पर भी एक स्टीम वॉल है, सेफ्टी वॉल है, एक स्टीम स्टॉप वॉल है आपका, एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, ऊपर की तरफ मेन होल बना हुआ है। सो ये सारा आपका डायग्राम है कॉकरेन बॉयलर का। इसके बाद नेक्स्ट बॉयलर आता है आपका कॉर्निश बॉयलर, इसको बोलते हैं हम कॉर्निश बॉयलर। कॉर्निश बॉयलर जो होता है इसके अंदर बेसिकली आपको डायग्राम देखो, ये कॉर्निश बॉयलर है, एक बीच में ट्यूब होती है, देखो यहाँ पर ट्यूब होती है बीच में जिसके अंदर आग जलेगी। तो कॉर्निश बॉयलर के दो लाइन डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये देखिए ये बीच वाला एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर आग जलेगी। ओके और इस बीच वाले सिलेंडर के आसपास जो है वो ट्यूब लगी होती है। तो देखिए अगर इसके अंदर आप देख रहे हो तो छोटे छोटे होल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये होल्स बने हुए हैं यहाँ पर कॉर्निश बॉयलर के ये साइड में। तो ये ट्यूब्स होती है जहाँ से वाटर फ्लो कर रहा होता है, तो बीच में जो है वो कंबशन हो रहा होता है और आसपास जो है वो आपकी ट्यूब्स होती है जहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है। तो बीच में आपकी फायर ट्यूब होती है और आसपास बहुत सारी वाटर ट्यूब होती है जिससे कि वाटर पास होता है। इस वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पर वाटर जो है बहुत सारी ट्यूब से पास हो रहा है, कम से कम देखो कितनी सारी, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 25-30 से ज़्यादा ट्यूब्स हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा बार आपका वाटर पास हो रहा है, ज़्यादा ट्यूब से आपका पास हो रहा है, तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर आपका लार्ज होता है और जो फायर जल रही है वो बीच में जल रही है यहाँ पर। ओके तो इस वजह से इसके अंदर जो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर होता है वो 10.5 bar होता है, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर होता है 10.5 bar और इसकी स्टीम जनरेशन कैपेसिटी होती है 6500 किलोग्राम पर आवर। इससे पहले वाले की जो स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी थी वो आपकी 3000 के अराउंड थी, 3000 किलोग्राम पर आर के अराउंड थी, जबकि इसकी स्टीम कैपेसिटी बढ़ गई है क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ट्यूब, ये आप नंबर ऑफ ट्यूब्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हो और बीच में आपका जो फायर ट्यूब है वो लगा हुआ है, तो इसकी वजह से इसकी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद आता है लैंकशायर बॉयलर। ओके ये जो बॉयलर है वो अभी भी यूज होता है, इससे पहले जो मैंने आपको 2 या 3 बॉयलर बताए हैं ये अब यूज नहीं होते, ये खत्म हो गए, इनका यूज हो गया, इसलिए ये पड़ा हुआ है बस ऐसे पटक रखा है इसको, अब ये खत्म हो गए, इनको यूज नहीं करते। कॉर्निश बॉयलर को भी यूज नहीं करते हैं, ना ही अब इसको कॉकरेन को हम लोग कर रहे हैं। अब जो हम आजकल यूज करते हैं वो है लैंकशायर, इसका भी अब एब्सोल्यूट हो चुका है। तो ये जो आदमी दिख रहा है ये लैंकशायर बॉयलर है। अगर आप दोनों बॉयलर को मैं दिखाऊंगा तो सामने से आपको दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक डिफरेंस ये होगा कि पहले वाले में जो हमारे पास कॉर्निश बॉयलर था उसके अंदर एक बीच में होल था सेंटर में, एक ही होल था सेंटर में, जबकि लैंकशायर बॉयलर में 2 होल होते हैं सेंटर के अंदर। तो यहाँ पर 2 जगह आपका कंबशन ट्यूब्स होती हैं। ओके 2 जगह आपकी कंबशन ट्यूब्स होती है और बाकी जगह जो है वाटर फ्लो कर रहा होता है। सो यहां पर 2 जगह आपकी ये होती है फायर ट्यूब होती है और बाकी जगह इसके पूरे आसपास जो है वो वाटर फ्लो कर रहा होता है। तो यहां पर एक स्टीम वॉल सेफ्टी वॉल होता है, यहां पर एक मेन स्टीम लाइन लगी होगी, यहां पर आपका एक और सेफ्टी वॉल होगा, ये आपका मेन होल होगा जहां से इसको सफाई वगैरह कर रखी होगी आपने। ओके और इस फ्लू गैसेस के पास में गेलो ट्यूब वे लगे होते हैं जो कि बेसिकली कॉन्टेक्ट टाइम को बढ़ाते हैं, फ्लू गैसेस के जो यहाँ पर रहने के टाइम को इंक्रीज करते हैं, उनकी वेलोसिटी को कम करते हैं। तो डैम्पर लगे होते हैं बीच बीच में जो कि वेलोसिटी को कम करते हैं, जिससे कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थोड़ा कॉन्टेक्ट टाइम बढ़ता है, जिससे कि थोड़ा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर में इम्प्रूवमेंट आता है।
सो दिस बॉयलर इज रिलायबल, हैज अ सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन एंड ईज ऑफ ऑपरेशन. काफी ज्यादा ईज होता था, तो पुराने टाइम में जो है इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया है. तो ये आप देख सकते हो उसी टाइम की तस्वीरें हैं. ओके, फाइनली यहां से चिमनी लगी होती है और ये यहां से गैसेस, फ्लू गैसेस बाहर निकलती हैं. सो इसका मेन जो एडवांटेज है, ये एक तो बॉयलर बहुत रिलायबल होता है, इसकी डिजाइन बहुत सिंपल होती है, ईज ऑफ ऑपरेशन होता है, लेस ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत कम आता है. ये जनरली यूज होता है शुगर मिल में या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है अलॉन्ग विथ पावर स्टीम. ओके, स्टीम फॉर प्रोसेस वर्क, मतलब अगर किसी चीज को गर्म वगैरह करना है प्रोसेस के लिए चाहिए तो स्टीम जनरेट करने के लिए भी ये वाला बॉयलर यूज किया जाता है. अब इस वाले बॉयलर की जो स्टीम कैपेसिटी वो देखिए आप कितनी होगी, 9000 किलोग्राम पर आर. तो कॉर्निश बॉयलर की 6500 स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी थी, इसकी 9000 किलोग्राम पर आर, बहुत ज्यादा स्टीम जनरेट कर रहा है. और इसका प्रेशर भी जो है राइज हो जाता है 16-12 के राउंड. तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हमारा जो बॉयलर प्रेशर है वो भी बढ़ता चला जाएगा और स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाएगी. तो इसकी स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी इसके जो पहले वाले बॉयलर है पेरेंट बॉयलर उससे काफ़ी हाई होती है, 16-12 के राउंड होती है और 9000 किलोग्राम पर आर ये जनरेट कर सकता है स्टीम. इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड में यूज़ किया जाता है, प्रोसेस हीटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था इसको, शुगर मिल में भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी. तो 90s के टाइम में इसको बहुत यूज़ किया गया, 19th century के टाइम में. उसके बाद आता है लोकोमोटिव बॉयलर जो कि बहुत फेमस हुआ. आप लोगों ने भाप का इंजन तो सुना ही होगा, भाप का इंजन, ये तो आपने सुना ही है कि भाप के इंजन से गाड़ी चलती थी, वही है बॉयलर. तो उसमें जो बॉयलर यूज होता था उसको कहते हैं लोकोमोटिव बॉयलर. तो देख लीजिए ये है वो बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, दिस इज द लोकोमोटिव बॉयलर. इसके काफी सारे क्वेश्चन आएंगे. यहां पर बेसिकली जो कंबशन होता है वो यहां पर होता है, इस जगह होता है कंबशन होता है. इसका और दूसरा डायग्राम भी बताएंगे. तो ये देखिए आप, एक इंजन में लगा हुआ है, इसको कहते हैं लोकोमोटिव बॉयलर. ये एक इंजन के अंदर लगा हुआ है, ये इंजन आगे लग जाएगा इसके अंदर. सो दिस इज द लोकोमोटिव बॉयलर. और जगह बताऊं तो ये रहा लोकोमोटिव बॉयलर, ये इंजन है, इंजन दिखा रखा है, लोग देख रहे हैं इसको, ये व्हील लगे हुए हैं इसके, ये पुराने टाइम का स्टीम इंजन है. ओके, तो भाप का इंजन आप लोगों ने सुना होगा, ये भाप का इंजन आज देख लो, ये है भाप का इंजन. तो ये यहाँ पर जो बीच में बॉयलर लगा होता था, ये बेसिकली यहाँ पर आपका कंबशन चेंबर होता था और यहाँ से जो कोयला डाला जाता था लगातार ग्रेड के थ्रू, और ये यहाँ पर कोयले का कंबशन होता है और यहाँ से आपकी कंबशन गैसेस बनती हैं. और वो कंबशन गैसेस, ये इतनी सारी जो ट्यूब्स देख रहे हो ना, इनके थ्रू पास होती है और इनके आसपास क्या होता है, वाटर होता है, जिसको ये अपनी हीट ट्रांसफर करेगी और वाटर यहां पर स्टीम में कन्वर्ट होता है. तो ये वाला बॉयलर था आपका लोकोमोटिव बॉयलर. ओके, अब लोकोमोटिव बॉयलर के अंदर जो स्टीम कैपेसिटी होती है वो अराउंड वैसी होती है जो पहले वाले बॉयलर में थी, 9000 किलोग्राम पर आर, ठीक है. और जो इसका वर्किंग प्रेशर होता है वो 14 bar के अराउंड होता है, उसी के अराउंड है. उसका 16 था, इसका 14 है. ओके, इसका 16 था, इसका 14 bar है. अब इसके अंदर जो आपके पास ईएस में जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये है, आईएस में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है. ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि भाई देखिए जो लोकोमोटिव बॉयलर होता है उसके अंदर सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या होगा. सबसे बड़ा लिमिटेशन ये होगा कि जो हमारे फ्लू गैसेस है, मतलब कोयले जलने के बाद जो गैसेस बनेगी उसको निकालना होता है. तो उसको निकालने के लिए हम लोग जनरली तो चिमनी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारा लोकोमोटिव बॉयलर है ट्रेन के अंदर, अगर हम उसको लगा रहे हैं तो चिमनी तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि चिमनी का जो लेंथ होगा वो तो काफ़ी लंबा होता है. तो फिर हम यहाँ पर ड्रॉट कैसे प्रोवाइड करते हैं. देखो चिमनी का काम क्या होता है, चिमनी का काम होता है ड्रॉट को प्रोवाइड करना, प्रेशर डिफरेंस प्रोवाइड करना, जिससे कि जो एयर और फ्लू गैसेस है वो पूरे कंबशन चैम्बर में मूव कर सकें. भाई एयर एंटर कर रही है, कैसे एंटर कर रही है, भाई किसी ना किसी मैकेनिज्म से तो एंटर कर रही है. सो बेसिकली हम चिमनी प्रोवाइड कराते हैं. चिमनी क्या करता है, चिमनी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है यहां पर. तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो एयर इनलेट करती है और पूरा हमारा कंबशन पाथ को फॉलो करते करते फाइनल यहां से कंबशन गैसेस एस्केप होती है. तो बेसिकली ड्रॉट, यस रुक जाओ उधर. ओके, आर्टिफिशियल ड्रॉट का जो एग्जांपल है वो यही है जो हम लोग लोकोमोटिव बॉयलर में यूज करते हैं.
सो लोकोमोटिव बॉयलर में हम लोग आर्टिफिशियल ड्रॉट ही यूज करते हैं। क्यों? देखिए लोकोमोटिव बॉयलर में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग यहाँ चिमनी नहीं लगा सकते, क्योंकि चिमनी लगाएंगे तो लंबे लेंथ बहुत हाई हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो हमारी गैसेस पास होगी, जो एग्जॉस्ट स्टीम है, उसको हम यूज करते हैं। अब उसको हम कैसे यूज करते हैं, देखो जो स्टीम है उसका टेम्परेचर जब बाहर जाती है तब भी उसका टेम्परेचर अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, काफी हाई होता है। तो हम क्या करते हैं, इस स्टीम को एक नोजल से पास कराते हैं। ओके, अब जब हम इस स्टीम को एक नोजल के थ्रू पास कराएंगे तो क्या होगा, व्हेन इट विल पास थ्रू द नोजल इट विल ड्रॉप इट्स प्रेशर, यहां पर प्रेशर ड्रॉप होगा एंड द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। तो प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से होता क्या है, यहां पर एक नेगेटिव प्रेशर बन जाता है। तो जब यहां पर स्टीम पास होती है तो यहां पर पॉजिटिव प्रेशर होता है, बट ड्यू टू द कन्वर्जिंग सेक्शन, जब ये स्टीम इस कन्वर्जिंग सेक्शन से पास होगी तो प्रेशर ड्रॉप होता 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 कितना हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। अब ये नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा, ये नेगेटिव प्रेशर बेसिकली जो हमारी कंबशन गैसेस है उसको शक करने का काम करता है। तो यहां पर जो हम आर्टिफिशियली ड्रॉट प्रोवाइड करते हैं बिना चिमनी के, वो हम जो स्टीम बाहर जाएगी आफ्टर द एक्सपेंशन इन द टर्बाइन, कुछ स्टीम जो है वो एक्सपेंड होके बाहर निकल जाएगी, तो उसके थ्रू हम यहां पर प्रोवाइड करते हैं, उसको एक नोजल से पास कराते हैं। नोजल में प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर लेस जनरेट होता है, और उस प्रेशर से हम लोग क्या करते हैं, ये जो एयर है उसको शक करते हैं, आर्टिफिशियली ड्रॉट प्रोवाइड कराते हैं। तो आपके ईएस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आर्टिफिशियली ड्रॉट कहां पर, कौन से बॉयलर में प्रोवाइड करते हैं, तो लोकोमोटिव बॉयलर किसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं, तो भाई जो एग्जॉस्ट स्टीम है इसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं। और जब हमारा बॉयलर, जब हमारा इंजन रुका हुआ होगा तो बॉयलर के अंदर जो स्टीम डेवलप हो रही है हम उसके थ्रू आर्टिफिशियली ड्रॉट प्रोवाइड करते हैं यहां पर। ओके, तो वो हमारी जो स्टीम है उसको हम एक नोजल से पास कराते हैं, वहां पर प्रेशर ड्रॉप होता है, वो एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है, वो हमारे यहां पर ड्रॉट का काम करता है। ड्रॉट का मतलब है आपके जो फ्लू गैसेस है इसको शक करने का काम करता है, पूरा सर्किट के थ्रू उसको मूव कराने का काम करता है। So, यहां पर जो आर्टिफिशियल ड्रॉट हम प्रोवाइड कराते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग दिस ड्रॉट विद द हेल्प ऑफ द एग्जॉस्ट स्टीम और द स्टीम वी आर डेवलपिंग इन द इनसाइड द बॉयलर। सो आर्टिफिशियली ड्रॉट वी विल प्रोवाइड इन द बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, विद द हेल्प ऑफ, ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, किसी ने भी अगर आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो इस बात का मतलब वो अच्छे से समझ जाएगा कि मैं इसको किस लिए बार, हजारों बार क्वेश्चन आया, ये एक क्वेश्चन हजारों बार आया, आईएएस में आया, आईएएस में आया, हर एक लोकल एग्जाम में आया, इसलिए मैं बार 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 कह रहा हूं। तो जिस चीज को मैं रिपीट करता हूं ना उसका कुछ ना कुछ मतलब है, और अगर आपको बात बिलीव नहीं हो रही तो प्रीवियस ईयर जाके क्वेश्चन देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा सर ने क्यों बोला इसको बार। ओके, ये एक क्वेश्चन हजारों बार मैंने देखा, हर अलग अलग एग्जाम में देखा, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूं कि यहां आर्टिफिशियली ड्रॉट प्रोवाइड किया जाता है, किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, स्टीम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, कौन सी स्टीम, या तो बॉयलर में डेवलप हो रही होगी या फिर जो एग्जॉस्ट होती है उसके थ्रू प्रोवाइड करते हैं। सो आर्टिफिशियली ड्रॉट कहां यूज होता है, लोकोमोटिव बॉयलर। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है आपका स्कॉच बॉयलर। स्कॉच बॉयलर बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, ये आप देख सकते हैं, इनको कहते हैं मरीन बॉयलर। सो मरीन बॉयलर कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है, मरीन बॉयलर कौन से होते हैं, तो स्कॉच बॉयलर वाज अ मरीन बॉयलर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बेसिकली बीच में तीन फायर ट्यूब है, यहां पर अंदर आग जलेगी, ये तीन फायर ट्यूब है जहां पर फायर जलेगी। और देखिए वाटर जिन ट्यूब से पास होगा, छोटी छोटी ट्यूब्स आपने देखा होगा, यहां पर बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई है, यहां पर भी आपकी बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये बहुत सारी ट्यूब्स यहां पर दिख रही है आपको, छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे आपको। सो इन छोटे छोटे होल्स के थ्रू क्या है, वाटर पास होता है, और बीच में क्या होता है, कंबशन हो रहा होता है, जल रहा होता है, आग जल रही होती है। तो इस बॉयलर को कहते हैं हम स्कॉच बॉयलर, ये जनरली मरीन बॉयलर कहलाता है, मरीन के अंदर इसको यूज किया जाता है, स्कॉच ने पहले बनाया था इसलिए इसका नाम है स्कॉच बॉयलर। तो इसका कटअवे व्यू अगर आप देखो तो ये सारी ट्यूब्स है जिनके थ्रू पानी बहेगा, इनके अंदर पानी फ्लो या वाटर सर्कुलेट करेगा, और अंदर जो है ये आपको दिख रहा है, ये आपकी फायर होती है। ओके, और फायर जलने के बाद जो कंबशन गैसेस है वो इन ट्यूब के आसपास सर्कुलेट करती है एंड दे विल हीट अप दिस ट्यूब्स, और हमें यहां पर स्टीम मिलेगी। ओके, सो स्कॉच टाइप या मरीन बॉयलर इज प्रॉब्ली मोस्ट पॉपुलर बॉयलर
बहुत ज़्यादा पॉपुलर बॉयलर था ये। तो जितना भी जैसे टाइटेनिक हम लोगों ने देखी होगी पिक्चर, तो उसमें जो बॉयलर यूज़ करते हैं वो मरीन बॉयलर ही है, स्कोच बॉयलर ही है। इसका जो स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 1000 किलोग्राम पर आर है, मतलब बाकी से कम है। लेकिन इसका फायदा ये है, प्रेशर अबाउट टू 17 बार होता है, प्रेशर इसका अबाउट टू 17 बार होता है। इसका फायदा ये होता है कि इसका जो साइज होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, ये कम स्पेस घेरता है, इसके लिए जनरली हम लोग इसको यूज करते थे। सो माय डियर फ्रेंड, ये आप लोगों ने इतने सारे बॉयलर देखे हैं, ये सारे के सारे बॉयलर हमारे क्या हैं, सारे के सारे बॉयलर हमारे फायर ट्यूब बॉयलर हैं। सो माय डियर फ्रेंड, हम लोग एक काम कर रहे हैं कि सारे फायर ट्यूब बॉयलर का नाम लिख रहे हैं और एक शॉर्टकट बना रहे हैं, ठीक है? आपको शॉर्टकट से याद करना है। देखो, सिंपल वर्टिकल ट्यूब से तो लेना जरूरत नहीं है। सबसे पहला कौन सा बॉयलर था? सबसे पहला हमारे पास कोक्रेन बॉयलर था। ओके, कोक्रेन बॉयलर। उसके बाद हमारा क्या है? कॉर्निश बॉयलर। देखो, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बेसिकली ईएस के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉयलर का नाम दे देगा और ये पूछेगा ये कौन सा बॉयलर है, फायर ट्यूब या वाटर ट्यूब। एक होता है लैंकशायर, ओके, नेक्स्ट है आपका कॉर्निश, और लास्ट में लोकोमोटिव और स्कोच बॉयलर। लोकोमोटिव एंड स्कोच बॉयलर। देखिए, सीधी सी बात है, पहले तो को ठीक है, कोको तीन बार, कोको तीन बार, कोको लाओ लाओ, स्कॉच की बोतल होती है ना भाई, स्कॉच, कोको लाओ स्कॉच, कोको लाओ स्कॉच, को लाओ स्कॉच, हो गया याद, कोको लाओ स्कॉच। तो कोको, कॉर्निश, कॉक्रेन, कॉक्रेन, कॉर्निश, कॉर्निश दो दो बार हो गया क्या, लैंकशायर, लोकोमोटिव एंड स्कॉच बॉयलर। तो दो बार कोको है भाई, कोको दो बार है, कोको लाओ स्कॉच, तीन हो गया। अब समय आ गया, लाओ कोको, कॉर्निश एंड कॉक्रेन एंड लैंकशायर एंड लोकोमोटिव एंड स्कॉच इज अ स्कॉच बॉयलर। इज दैट क्लियर? अरे समझ में आ गया, लिख लो भाई ये। तो कोको लाओ स्कॉच, तो ये कौन है, ये सारे के कोको लाओ स्कॉच इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। पहले को का मतलब कोक्रेन, दूसरे का मतलब कॉर्निश, तीसरे का मतलब लाओ का मतलब लैंकशायर, तीसरे का मतलब लोकोमोटिव एंड लास्ट इज स्कॉच बॉयलर। ओके, सो कोको लाओ स्कॉच इज द, अरे भाई हाँ या ना कर दो, समझ में आया, सभी बोलो कोको लाओ स्कॉच, कोका कोला, आई एम फाइन, कोको कोला स्कॉच। अपनी क्रिएटिविटी खुद लगा लो। ऐसे ही बोलो कोको कोला स्कॉच, अपनी क्रिएटिविटी इसमें खुद लगा लो, ठीक है? तो फायर ट्यूब बॉयलर सब याद हो जाएंगे आपको, कोको लाओ स्कॉच से हमारे को सारे फायर ट्यूब बॉयलर याद हो गए। तो ये होता है हमारे फायर ट्यूब बॉयलर।
नेक्स्ट आएगा हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। सो देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है, जब हमारा प्रेशर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। सो वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? वाटर ट्यूब बॉयलर होता है जो कि 10 bar, 10 bar से ऊपर जब हमारा बॉयलर काम करता है उसको वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। ओके, सो वाटर ट्यूब बॉयलर की अगर हम बात करें तो वाटर ट्यूब बॉयलर बेसिकली हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होगी, अभी तक आपने देखा था 6,500 हमको मैक्सिमम कैपेसिटी मिला था। कहां पर मिला था याद करो, स्कॉच बॉयलर में, या फिर कौन सा बॉयलर में? स्कॉच में नहीं मिला था, इसमें मिला था अबे लैंका का शायर में। सो लैंका का शायर के अंदर हमारे पास मैक्सिमम स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी था 4,500-6,500, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग होता है वो 7,000 से स्टार्ट होता है, 7,000 किलोग्राम ऑफ स्टीम पर आर, और जो प्रेशर होता है वो 10 bar से स्टार्ट होता है। सो पहला जो है बेबी कॉक्स एंड विलकॉक्स वाटर ट्यूब बॉयलर इज अ एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर। इसको स्टेशनरी और मरीन पर्पज के लिए यूज किया जाता था। ओके, तो जब हमको लार्ज प्रेशर चाहिए होता है, इसका वर्किंग प्रेशर मैक्सिमम हो सकता है 40 bar के अराउंड, कितना 40 bar। मतलब आप देख रहे हो जब वाटर ट्यूब बॉयलर स्टार्ट हो रहे हैं तो इनका लिमिटेशन जो है पाइप ट्यूब बॉयलर से बहुत आई है, और इनकी जो स्टीमिंग कैपेसिटी है वो 40,000 किलोग्राम पर आर है। मैक्सिमम हमने अभी फायर ट्यूब बॉयलर में कितना किया था, 10,000 मैक्सिमम, तो इतना ही था हमारे 10,000 के राउंड। इसमें तो 40,000 से तो स्टार्टिंग ही है, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है 60-80% के अराउंड होती है। इसलिए बहुत फेमस बॉयलर है बेबी कॉक्स एंड विलकॉक्स, या आज तक यूज होता है, बहुत फेमस बॉयलर है बेबी कॉक्स एंड विलकॉक्स। तो जितनी भी बुक्स हैं जहां पर भी बॉयलर का नाम होता है सबसे पहले ये डायग्राम बनाया जाता है, बेबकॉक्स एंड विलकॉक्स। प्रैक्टिकली ऐसा दिखता है, ये देख लियो आप, ये होता है, आपको दिख रहा है अगर डायग्राम तो देख लो, प्रैक्टिकली ऐसा दिखता है। ऊपर एक सिलेंडर लगा होता है, नीचे ट्यूब्स दिख रही होती है बहुत सारी। ओके, और यहां पर फायर जल रही होती है, फायर जल रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो इसके अंदर एक ड्रम होता है जो कि बिल्कुल सीधा रखा होगा, जिसको ऊपर वाले सेक्शन को हम बोलते हैं ड्रम। यहां पर हमारे पास हेडर होते हैं जहां पर शॉर्ट राइजर ट्यूब होती है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। राइजर ट्यूब क्या होती है, वी विल डिस्कस अबाउट इट, व्हाट इज द राइजर ट्यूब। ओके, कनेक्टेड ए सीरीज ऑफ इंक्लाइंड वाटर ट्यूब एंड सॉलिड ड्रॉन वाइल्ड माइल्ड स्ट्रीम। यहां पर देखिए बहुत सारी आपकी इंक्लाइंड वाटर ट्यूब्स जो है आपने लगा रखी है। ओके, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस वाटर ट्यूब इज अबाउट टू 15 degree। ये भी कई बार आ जाता है, तो ये अबाउट 15 degree इसका इंक्लिनेशन होता है। ओके, हैंड होल तो आपको पता ही है किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसको साफ वगैरह करने के लिए, क्लीन वगैरह करने के लिए एक हैंड होल प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर एक फीड वॉल वगैरह, बाकी सब जो है वो वॉल है, बफेल वगैरह प्रोवाइड की जाती है जिससे कि टाइम जो है कॉन्टेक्ट टाइम बढ़ पाए, थोड़ा सा टर्बुलेंसी बढ़ पाए। ये आपका कुछ मिला के ये इस तरह का आपका बेबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर आपको दिखता है। ओके, सो यहां पर आपका जो फायर होती है, यहां पर फायर जल रही होती है। ओके, और ये आपकी ट्यूब्स होती है। तो देखिए इस ट्यूब्स में होता क्या है कि आपका एक तरफ से वाटर आ रहा है, यहां से आपका वाटर आ रहा है, एंड इट विल पास थ्रू दिस ट्यूब्स, और इसके बाद ये सुपर हीटेड होके यहां से गर्म होके जाता है। ओके, तो ये जो आपका फ्लो हो रहा है, यहां से वाटर आना और ये गर्म होके जाना, ये बेसिकली नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल ही होता है। वाटर नीचे तो ग्रेविटी की वजह से आ जाएगा, लेकिन यहां पर जो जाता है ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जाएगा। क्योंकि होगा क्या, जब हम इस वाटर को गर्म करेंगे तो इसकी डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, यहां पर डेंसिटी हैवी है, तो ये एक नेचुरल सर्कुलेशन जनरेट होगा जिसके बारे में हमें आप बात करेंगे आगे। सर्कुलेशन के अंदर हम बात करेंगे इसको कि नेचुरल सर्कुलेशन कैसे जनरेट होता है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। टाइटेनिक में या तो कॉर्निश बॉयलर था, कॉर्निश ये मरीन बॉयलर होता है, जनरली यही यूज करते हैं टाइटेनिक में।
कॉर्निश बॉयलर हम लोग यूज करते हैं, मरीन बॉयलर होता है ये वाला बॉयलर यूज, सॉरी स्कॉच बॉयलर यूज करते हैं, ये मरीन बॉयलर होता है। जितने भी जनरली जो जहाज वगैरह होते हैं सब में यही यूज होता है स्कॉच बॉयलर। बट अगर आपका ज़्यादा लार्ज शिप है तो फिर वहाँ पर ये वाला भी यूज कर सकते हैं, बट इसका फिर ड्रॉट बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। ओके सो अब इस पूरा बॉयलर का हम लोग डिज़ाइन देखेंगे। सो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड क्या हो रहा है, आपका फ्लूड यहाँ पर आपका इंटेक हो रहा है, यहाँ पर उसको गर्म काफ़ी गर्म हो रहा है, सुपर हीट हो रहा है और फिर इसके यहाँ से पास हो रहा है और यहाँ पर आपकी क्या हो डेवलप हो रही है, स्टीम डेवलप हो रही है एंड आफ्टर दैट दे विल पास थ्रू दिस वॉल्व। ओके कुछ वॉल होंगे स्टीम सप्लाई वॉल्व, वहां से ये पास हो जाएगी आपकी। ये आप देख रहे हो कि ये जो ट्यूब से अलग से पीले कलर की जो दिख रही है इसको हम बोले सुपर हीटेड ट्यूब, ठीक है, दिस इज द सुपर हीटेड ट्यूब। तो यहां पर ये जो इस ट्यूब में हम लोग स्टीम भेजते हैं और यहां पर जो स्टीम है उसका टेम्परेचर जो है वो जनरली ज्यादा राइज होता है। ओके यहां पर एक मड बॉक्स आपका लगा होता है क्योंकि जब यहां पर वाटर डिसेंड होता है तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो ग्रेविटी की वजह से यहां पर आपकी जमा हो जाती है, तो उनको निकालने के लिए यहां पर एक मड बॉक्स लगा होता है। ये आपको यहां से वाटर को लेगा, डाउनवर्ड वाटर आ रहा है यहां पर, ये बॉयलर की वॉल है। हाँ टाइटेनिक डूब गई थी भाई, टाइटेनिक बिल्कुल डूब गई थी और उसके चक्कर में कई बच्चे भी डूबे हैं। सेफ्टी वॉल यहाँ पर लगा होता है, जो कि मैंने आपको बोला था जब बॉयलर में बहुत हाई प्रेशर हो जाता है तो सडनली ये वॉल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वाटर इंडिकेटर लगा होता है, ये फीड वाटर इंटेक होता है, यहाँ से फीड वाटर आपका इंटेक होता है, ये अपटेक होता है मतलब यहाँ से डाउन आएगा, यहाँ से वापस से ऊपर चला जाएगा। ये बफेल्स लगी होती है बीच बीच में, ये बफेल्स का काम क्या होता है, बफेल्स का काम होता है आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशियंट को बढ़ाना, जो कि आप लोग हीट एक्सचेंजर में भी पढ़ोगे। ये आपकी फर्नेस होती है, फायर डोर होता है, ये ग्रेट होती है, यहां पर कोयला वगैरह जल रहा होता है। ओके सो ये वाला जो बॉयलर देख रहे हो यहां पर आपके लगातार जैसे आग जल रही है, ये कोयला जल रहा है आपका, और ये चिमनी साइड में लगी होती है, यहां से आपका ये जो ये आपका ट्यूब दिख रहा है यहाँ पर देखो, ये पीले कलर का ट्यूब दिख रहा है, ये जो पीले कलर का ट्यूब दिख रहा है ना, इसमें से ये जो पीले कलर का ट्यूब दिख रहा है उसके अंदर से स्टीम पास होगी, ये यहाँ पर स्टीम पास होगा, ये जो पीले कलर का ट्यूब दिख रहा है इसके अंदर स्टीम जाएगी और फिर वो सुपर हीटेड होती है उसका टेम्परेचर। या सचिन यहाँ से स्टीम एंटर होती है और ये सुपर हीटेड ट्यूब होती है, फाइनली इस सुपर हीटेड ट्यूब में स्टीम जाएगी और फिर यहां से पास हो जाएगी स्टीम, ये जो पीले कलर की ट्यूब दिख रही है ना इसमें से पास हो रही है स्टीम। ओके सो दिस इज द स्टीम, तो ये अलग से लगाई जाती है, तो मैंने आपको बोला ये पूरा सेटअप अलग है, ये ट्यूब्स अलग लगाई जाती है, तो इसके अंदर स्टीम का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई लेवल तक राइज होता है। अब ये जो सुपर हीटेड स्टीम होती है, जो ट्यूब होती है, यहां पर बहुत अलग अलग तरीके से हीट ट्रांसफर होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, रेडिएटिव अलग अलग तरह से हीट ट्रांसफर होता है जिसके अंदर बारे में हम लोग बात करेंगे, बट आगे वाले लेक्चर में। ओके चलिए नेक्स्ट आता है आपका स्टीलिंग बॉयलर। तो स्टीलिंग बॉयलर और कोक्रेन एंड सॉरी बेबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर में केवल इतना फर्क होता है कि जो स्टीलिंग बॉयलर्स होती है इसकी ट्यूब जो है वो काफी ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होती है। ओके यहाँ पर ड्रम लगे होते हैं इस तरह के, इसको बोलते हैं ड्रम्स लगे होते हैं, और ये जो है यहाँ पर बेंड ट्यूब होती है। तो एक और नाम आएगा आपका बेंड ट्यूब बॉयलर, कौन सा है बेंड ट्यूब बॉयलर कौन सा, तो बेंड ट्यूब बॉयलर होता है आपका, बेंड ट्यूब बॉयलर होता है स्टीलिंग बॉयलर। तो स्टीलिंग बॉयलर जो होता है इट इज नोन एज बेंड ट्यूब बॉयलर। यहाँ पर जो वाटर ड्रम होते हैं ये ऊपर ये वाटर ड्रम लगे होते हैं, दिस इज द वाटर ड्रम। तो एक वाटर ड्रम में क्या होगा, यहां से पानी फ्लो होगा, इसके अंदर आएगा एंड फिर यहां से आपका राइज होता है कंटिन्यूअसली। अब ये जो नीचे आ रहा है और वापस से राइज हो रहा है वो आपका नेचुरली भी हो सकता है और वो फोर्स कन्वेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। ओके
सो माय डियर फ्रेंड, ये आपका जो बॉयलर होता है इसको बोलते हैं स्टीलिंग बॉयलर। तो आपके अगर क्वेश्चन आता है कि बैंड ट्यूब बॉयलर कौन सा होता है, तो बैंड ट्यूब बॉयलर आपका होता है स्टीलिंग बॉयलर। और इसके अंदर आपका जो स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी होती है वो 50,000 किलो ग्राम पर आर के अराउंड होती है, और जो हाई प्रेशर होता है वो आपका 60 बार के अराउंड होता है। तो जनरली लार्ज सेंटर पावर स्टेशन के अंदर दिस बॉयलर इज वेरी पॉपुलर। तो लार्ज पावर प्लांट के अंदर ये जो बॉयलर है वो काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। ओके, सो दिस बॉयलर इज वेरी पॉपुलर इन द लार्ज स्टीम पावर प्लांट। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को अगर डाउट है सो ही कैन आस्क। किसी को यहां तक अगर डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो, स्टीलिंग इतनी टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है क्योंकि देखिए, ज़्यादा टाइम अगर आपका वाटर यहाँ पर ट्यूब में रहेगा तो ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा ना, इसलिए स्टीलिंग बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। ज़्यादा टाइम तक अगर आपका वाटर ट्यूब में रहेगा तो ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा, इसलिए स्टीलिंग के अंदर टेढ़ी मेढ़ी है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बढ़ाने के लिए वो ऐसा किया जाता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करने के लिए ट्यूब जो है वो बैंड बनाई जाती है। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को आपको बढ़ाने के लिए, अब देखिए यहां पर आता है सबसे पहले बॉयलर ड्रम। यूज बेटा ये, हाँ इसको मैंने बोला ना, यूज कहाँ होता है, यूज ये होता है बेसिकली लार्ज सेंटर पावर स्टेशन में, जो हमारे पास स्टीम पावर प्लांट होते हैं ना वहां पर यूज होता है ये, लार्ज सेंटर पावर स्टेशन में इसको यूज करते हैं। तो जहां पर हमको बहुत हाई प्रेशर चाहिए 60 बार के अराउंड या 5,000 किलोग्राम पर आवर्स के अराउंड आपको स्टीम जनरेट चाहिए, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो लार्ज सेंटर पावर स्टेशन में जनरली हम इसको यूज करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयलर ड्रम की। तो बॉयलर ड्रम क्या है, यहां पर देखिए, ये आप लोगों ने देखा था कि वाटर ट्यूब बॉयलर में एक ड्रम होता है जहां पर आपकी स्टीम डेवलप होती है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ बॉयलर ड्रम। सो बॉयलर ड्रम वो पोर्शन होता है आपके बॉयलर का जहां पर आपकी क्या होता है, स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम डेवलप होती है। इसके अंदर क्या होता है, बॉयलर ड्रम में आपका सैचुरेटेड स्टीम डेवलप होती है। ओके, तो बेसिकली ये जो पार्ट होता है ऊपर आपका, यहां पर आपका स्टीम किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम आपका, आपका जो वाटर है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। सो वाटर विल कन्वर्ट इनटू द स्टीम इन दिस केस। या वही मैं देख रहा हूँ, ये एक्चुअली
हाँ वही मैं देख रहा हूँ, वो क्या है लगातार वो आवाज़ कर रहा है, मैंने म्यूट कर रखा है लेकिन यार वो आवाज़ कर रहा है, इसीलिए वो मैं थोड़ा सा उसमें चल रहा हूँ बिजी। ओके देखिए बॉयलर सौरभ मिश्रा, स्टीलिंग बॉयलर का टीएस डायग्राम क्या, किसी भी बॉयलर का तुम टीएस डायग्राम बना लो। बॉयलर में होता क्या है, सबसे पहले दो पार्ट होते हैं बॉयलर के। बॉयलर का एक पार्ट होता है जहां पर हम लोग, ये हमारा टीएस डायग्राम है, जब भी हम रैंकाइन साइकिल का डायग्राम बनाते हैं तो बॉयलर के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि जो हमारा लिक्विड हम फीड कर रहे होते हैं पहले वो गर्म होगा, एंड दैट लिक्विड विल इवोपरेट एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो जो बॉयलर ड्रम होता है उसका टेम्परेचर राइज होता है अप टू द सेचुरेटेड टेम्परेचर। ओके उसके बाद ये बॉयलर से यहाँ से बाहर निकल जाता है, और बॉयलर से बाहर निकलने के बाद इट विल गोज इन द सुपर हीटेड ट्यूब। तो ये वाला जो पोर्शन इंक्रीज होता है टेम्परेचर का, ये सुपर हीटेड ट्यूब में होता है। ओके सो माई डियर फ्रेंड, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ये वाला अपन एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, इसको कहेंगे हम बॉयलर ड्रम। तो ये हमारे बॉयलर का ड्रम है जहां पर हमारा स्टीम डेवलप होगा एट द सेचुरेटेड टेम्परेचर। तो बॉयलर ड्रम वो पोर्शन होता है स्टीम का, बॉयलर का, जहां पर आपका स्टीम डेवलप होता है, ये इसको स्टीम ड्रम भी आप कह सकते हो, जहां पर स्टीम डेवलप हो रहा है एट द सेचुरेटेड टेम्परेचर। ओके उसके बाद दिस स्टीम विल गोज इन द सुपर हीटेड ट्यूब। ओके तो इसको हम लोग कहते हैं सुपर हीटिंग ट्यूब या सुपर हीटर ट्यूब्स। तो इसके अंदर जब ये स्टीम पास होती है तो इस ट्यूब के अंदर जो है हीट काफ़ी अलग अलग तरह से ट्रांसफर होती है। जैसे कि ये जो गैसेस जल रही है, तो इस गैसेस से जब ये यहाँ पर कम्बशन होगा, तो कम्बशन होने के बाद यहाँ से फ्लू गैसेस बाहर निकलेगी। तो वो फ्लू गैसेस जब इस ट्यूब के थ्रू पास करेगी तो यहाँ पर कौन सा हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ पर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टीम है उसका टेम्परेचर राइज होगा। दूसरा, यहाँ पर जो आग जल रही है, फ्लेम जल रही है, इसका काफ़ी हाई टेम्परेचर है, अराउंड 3000-4000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका रेडिएटिव हीट ट्रांसफर होगा टू दिस सुपर हीटेड ट्यूब। तो यहाँ पर जो आपकी स्टीम फ्लो करती है, फिर उसका टेम्परेचर यहाँ पर राइज होता है, एंड देन इट विल गोज थ्रू दिस पाइप एंड इट विल सप्लाई टू द पावर प्लांट। तो इस यहाँ पर आपका स्टीम स्टॉप वॉल लगा होता है कि अगर हमको स्टीम टरबाइन को स्टॉप करना है तो ये वॉल क्लोज हो जाएगा और ये सुपर हीटिंग ट्यूब से हम लोग स्टीम को स्टॉप कर देंगे। तो ये पूरा हमारा फंक्शन होता है। तो अगर हम बात करें बॉयलर ड्रम की, तो बॉयलर ड्रम का क्या काम होता है, बॉयलर ड्रम का काम होता है स्टीम जनरेट करना। ये स्टीम जनरेट करता है एट टी सेचुरेशन टेम्परेचर। इट विल जनरेट अ स्टीम एट द टी सेचुरेशन टेम्परेचर। अब आता है आपका वाटर सर्कुलेशन। ओके अब आता है आपका वाटर सर्कुलेशन। तो यहां पर आपका वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। सो अगर हम बॉयलर ड्रम का फंक्शन लिखें, सो माई चियर फ्रेंड बॉयलर ड्रम क्या है, इसके साथ साथ लिख लो द, इसमें अब आपको कोई बताने की जरूरत नहीं कि क्या बॉयलर ड्रम है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वाटर सर्कुलेशन। सो माई डियर फ्रेंड, एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी, ये वो डायग्राम जब मैं आपको समझा रहा था कि यहां पर क्या होता है कि वाटर डिसेंड होता है और यहां पर से राइज होता है, तो इनको हम बोलते हैं राइजर ट्यूब। ओके और इनके थ्रू आपका जो है हीट सप्लाई हो रहा है। तो देखिए वाटर सर्कुलेशन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो ट्यूब है यहाँ पर, सो वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर सर्कुलेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ट्यूब से आपका वाटर नीचे आता है, पानी नीचे आता है, और दूसरे ट्यूब से यहाँ पर राइज होता है। ओके एक ट्यूब से यहाँ पर वाटर आपका नीचे आता है और दूसरी ट्यूब से यहाँ पर आपका वाटर राइज होता है। तो जब यहाँ पर वाटर नीचे आता है तो यहाँ पर आपकी फिल्म होती है वाटर की, इस ट्यूब के अंदर आपकी क्या होती है, फिल्म होती है। ओके सो देर विल बी अ फिल्म बॉइलिंग बॉइलिंग, और यहां से राइज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियेट बॉइलिंग यहां पर होती है। ओके
ओके सो माय डियर फ्रेंड, वाटर सर्कुलेशन में क्या होता है? सो वाटर सर्कुलेशन में ये होता है कि वाटर फ्लो थ्रू द राइजर इन ऑर्डर टू, इसको हम लोग बोलते हैं राइजर, जहां पर वापस से पानी ड्रम में सप्लाई होगा, पहले डिसेंड होगा फिर वापस से ये सप्लाई होगा, राइजर टू गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, स्टीम ओके सो माय डियर फ्रेंड, इसका मैं छोटा सा एक डायग्राम आपको बता रहा हूं। तो यहां पर अगर मैंने बॉयलर ड्रम बनाया है ओके तो ये वाली ट्यूब से आपका पानी नीचे आता है, दिस इज अगेन दूसरा बॉयलर ड्रम, एंड आफ्टर दैट इट विल राइज टू द सेकेंड ड्रम। तो यहां पर आपका वाटर नीचे आएगा और यहां से आपका क्या होगा, ये राइज होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग राइजर, दैट इज नोन एज राइजर। तो ये आपका ड्रम नंबर वन होता है, ये आपका ड्रम नंबर टू होता है, यहां पर आपका कंबशन होता रहता है। देखिए आपने देखा था अभी सिंगल ट्यूब बॉयलर में, यहां पर कंबशन गैस होता रहता है, तो यहां से आपके जो वाटर है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिलती है ओके तो यहां से आपका कूल वाटर आता है, फिर इस राइजर से थ्रू पास होता है, एंड इट विल राइज टू द ड्रम नंबर फर्स्ट अगेन ओके एंड व्हेन इसका टेम्परेचर जब हाई होगा, सो दिस टेम्परेचर विल सप्लाई टू द दिस बॉयलर वाटर या दिस ड्रम वाटर, जिससे कि आपके जो ड्रम वाटर है इसका टेम्परेचर यहां पर राइज हो जाता है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर पूरे वाटर को गर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम पूरे वाटर को एक साथ जैसे पानी को उबालते हैं, सो माय डियर फ्रेंड यहां पर क्या होना चाहिए, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूं ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां से आपका वाटर आ रहा है, देखो जो यहां हीट ट्रांसफर हो रहा है उसका तरीका देखो, यहां पर हम डायरेक्टली इस पानी को पूरे को गर्म नहीं कर रहे, ये जो आपका ड्रम है इसके अंदर डायरेक्टली वाटर को गर्म नहीं कर रहे, हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां से एक ट्यूब के थ्रू पानी को डिसेड कर रहे हैं, यहां पर आ रहा है वो ट्यूब और इन ट्यूब से वो पास हो रहा है ओके और यहां पर वो लगातार जब इस ट्यूब से पास हो रहा है तो गर्म होता जा रहा है, बिकॉज कंबशन केवल एक जगह कंसंट्रेट है और यहां से कंबशन होने के बाद जो फ्लू गैसेस निकलेगी उनको हम बफेल से पास करा रहे हैं, जो कि कॉन्टेक्ट टाइम बिटवीन दिस ट्यूब एंड फ्लू गैसेस बढ़ेगा, तो यहां से आपका कूल वाटर आएगा और यहां से आपका वाटर गर्म हो जाएगा और फिर वो गर्म वाटर आपके इस वाटर में मिक्स होगा एंड देन देयर विल बी अ स्टीम फॉर्मेशन। तो ये यहां पर आपका वाटर मिक्स करके आपके ये जो ड्रम वाले वाटर है इसका टेम्परेचर राइज करता है और उसकी वजह से यहां पर आपका स्टीम फॉर्मेशन होता है ओके अब ऐसा हम क्यों कर रहे होते हैं, इसका एक रीजन है, ऐसा हम इसलिए कर रहे होते हैं कि अगर हम इस पूरे शेल को ही एक साथ गर्म करेंगे तो इसका जो मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, हमको जो इसका मटेरियल लगाना पड़ेगा वो कॉस्टली लगाना पड़ेगा, लेकिन हम एक ट्यूब को एक सेक्शन को ही गर्म करते हैं तो फिर उसका मटेरियल हम कॉस्टली लगा भी सकते हैं, बट पूरे ड्रम का अगर मटेरियल आप बात करें तो बॉयलर का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है पहली बात, दूसरा ये शेल बहुत बड़ा होता है, छोटा सा शेल नहीं है, तो इस वजह से जो इसका कॉस्ट होता है, जैसे कि अगर ये पूरा पूरा शेल देखें यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं भट्टी जलाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, पूरा आपको बहुत ज़्यादा कोयला जलाना पड़ेगा यहाँ पर ओके एंड दैट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव ओके। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो वाटर ड्रम के अंदर कंडेंस होता है या इवोपरेट होता है तो ड्रम में स्केलिंग हो जाती है, यहाँ पर वाइट कलर का आपका स्केलिंग हो जाती है, लेकिन जब हम ट्यूब में गर्म करके वाटर को भेजेंगे तो स्केलिंग नहीं होगी, स्केलिंग होगी भी तो यहाँ पर होगी, इससे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम नहीं होगा, लेकिन हम डायरेक्टली अगर गर्म करते तो यहाँ पर आपके बेस पे स्केलिंग हो जाती, वाइट ऑयल कलर की परत जम जाती जो कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को आपका कम कर देती। सो माय डियर फ्रेंड यहाँ पर क्या होता है कि इस वाली साइड से आपका कूल वाटर आता है, देख सकते हो ये बहुत लंबा है, तो ये कूल वाटर है भाई, कूल वाटर है और यहाँ से फ्लू गैसेस ऐसे बाहर निकल रही है, ये फ्लू गैसेस यहाँ से बाहर निकलती है, बीच बीच में आपने बफेल लगा रखे, ऐसे छोटे छोटे आपने सेक्शन लगा रखे होते हैं और ये आपकी ट्यूब है, तो यहाँ से कूल वाटर आता है इन ट्यूब के पास होते 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 तो फिर ऐसे राइज हो जाता है, तो ये पूरा सर्कुलेशन यहाँ पर मेंटेन होता है। देखो यहाँ पर कूल वाटर आया, इसको राइज हुआ, स्टीम बनी, यहाँ से कूल वाटर आ रहा है,
गर्म हो रहा है, फिर यहाँ से स्टीम बन जाएगी, फिर कूल वाटर आएगा। तो ये पूरा पूरा क्या कहलाता है, सर्कुलेशन यहाँ पर हो रहा होता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो वाटर गर्म होता है वो हल्का हल्का से गर्म होता है। तो इस जब आप लोग देखिए होगा शुरू शुरू में जब पानी को गर्म करने लगते हो तो मतलब नॉर्मली कोई बॉयल या बबल नहीं बनते, न्यूक्लियट नहीं बनते, कोई वेपर नहीं बनती, वेपर पॉकेट्स नहीं बनते। बट जब टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होने लग जाता है, धीरे धीरे नीचे नीचे छोटे 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 वेपर बबल्स बनते जाते हैं, न्यूक्लियट बनते जाते हैं, तो उस फिनोमेना को हम न्यूक्लियट बॉइलिंग कहते हैं। तो इस सेक्शन में तो क्या होगा, सिंपली पानी गर्म होगा, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियट नहीं बनेंगे, पानी वेपराइज नहीं होगा। बट इस सेक्शन में जब हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो इस सेक्शन में क्या होगा, वाटर गर्म होगा, छोटे छोटे न्यूक्लियट बनने लग जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियट बॉइलिंग हो रही है। और फिर ये जो वाटर जिसके अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ न्यूक्लियट बन रहे हैं, जब ये वाटर के अंदर ज़्यादा ऐड होंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेंगे और वहां से फिर स्टीम एस्केप हो जाएगी। अब यहां पर होता क्या है कि ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया, ये दो टाइप से होता है। एक तो आपको मैंने बताया कि यहां पर नेचुरली होगा बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। यहां पर वाटर कूल है तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, गर्म है तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो ये अपना आप नीचे आ जाएगा। और यहां सॉरी ठंडा है तो आपका डेंसिटी ज्यादा होगा तो वाटर अपना आप नीचे आ जाएगा। और यहां पर टेम्परेचर राइज हो गया तो डेंसिटी कम होगा तो वाटर अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो नेचुरल कन्वेक्शन होता है यहां पर। एक तो आपका नेचुरल यहां पर आपका सर्कुलेशन हो रहा है। और एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन में हम लोग यहां पर यह भी कर सकते हैं कि वी जस्ट इंस्टॉल अ पंप। हम लोग बीच में क्या लगा देंगे, एक पंप लगा देंगे और इस पंप के थ्रू हमारा फोर्स कन्वेक्शन हो सकता है। ओके, मैं एक डायग्राम यहां पर ऐड करना भूल गया हूं, अगर आप चाहो तो मैं ऐड कर दूंगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं एक डायग्राम यहां पर ऐड करना भूल गया हूं और वो डायग्राम मेरे पास है। सो दिस वॉज अ डायग्राम, आई होप इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहां पर आप देखिए दो कंडीशन बन रही है। एक बन रहा है जहां पर देखो इस डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है, ये वाला जो सेक्शन है यहां पर हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपका गर्म हो जाता है। ये वाला सेक्शन जहां पर ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है ये कूल हो रहा है। तो हमारे पास दो तरह के कन्वेक्शन हम यहां पर कर सकते हैं, एक तो फोर्स कन्वेक्शन अगर हम यहां पर पंप लगा दें, और एक नेचुरल कन्वेक्शन हो सकता है। सो उसी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ओके, सो यहां पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसका नाम है सर्कुलेशन रेशियो। इसका नाम है सर्कुलेशन रेशियो। ये बताता है कितना ज्यादा सर्कुलेशन हो रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। ओके, सो एक रेशियो हम लोग यहां पर डिफाइन करते हैं, इस रेशियो का नाम है सर्कुलेशन रेशियो। ओके, सो सर्कुलेशन रेशियो इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड वाटर कन्वर्टेड इंटू स्टीम। सो ये जो सर्कुलेशन रेशियो होता है, दिस इज को सी आर कहते हैं, दिस इज मास फ्लो रेट
rate of water from downcomer upon mass flow rate of steam released from boiler drum. So my dear friend, circulation ratio क्या बताता है कि भाई हमारा कितना मास यहां पर आ रहा है और कितना यहां से स्टीम जनरेट हो रहा है. तो कितना मास यहां पर इंटेक कर रहा है और कितना स्टीम यहां पर जनरेट हो रहा है, दैट रेशियो इज नोन एज सर्कुलेशन रेशियो. सो सपोज यहां से जो मास डिसेंड कर रहा है, डाउन कर रहा है, दैट इज एम डॉट, और स्टीम कितना जनरेट हो रहा है, एम डॉट एस. तो सर्कुलेशन रेशियो क्या होगा आपका, एम डॉट जितना मास नीचे आया अपॉन एम आर या एम एस, दैट इज स्टीम जनरेट. अब ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारा मास नीचे आएगा उसके अंदर दो पोर्शन होंगे, एक तो वो जो स्टीम में कन्वर्ट हो गया और एक वो जो अभी भी कहां पर है, ड्रम में है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्लस अपॉन मास ऑफ स्टीम जनरेट, दैट विल बी इक्वल टू ओके. सो दिस इज द वन अपॉन एक्स हो जाता है. तो ये हमारा बेसिकली ड्राइनेस फ्रैक्शन के अबाउट हो जाता है, वन अपॉन एक्स. सो हमारे पास नॉर्मली जो सर्कुलेशन रेशियो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 6 to 25 के अराउंड होता है. सर्कुलेशन जो है वो 6 to 25 के अराउंड होता है. एंड फॉर पावर प्लांट के अंदर जो सर्कुलेशन रेशियो होता है वो 9 to 15 के अराउंड होता है. दिस द सर्कुलेशन रेशियो फॉर द पावर प्लांट. ओके, अब जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है, तो टाइप ऑफ सर्कुलेशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारे पास फोर्स सर्कुलेशन और एक होता है हमारे पास फ्री सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन, और एक होता है हमारे पास फोर्स सर्कुलेशन. ओके, सो होता क्या है, इन नेचुरल सर्कुलेशन हमारा जो सर्कुलेशन होता है, फ्लूड जो मूव करता है वो किसकी वजह से करता है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से. तो यहाँ पर हमारा सपोज बॉयलर ड्रम लगा हुआ है जहाँ पर फ्लूड भरा हुआ है और इस बॉयलर ड्रम के थ्रू फ्लूड यहाँ पर डिसेंड होगा. नीचे आपका ये फ्लूड आएगा एंड देन इट विल गोस अप अगेन. तो यहाँ पर आपका डाउन होगा एंड फिर यहां से आपका ये राइज हो जाएगा. तो इस तरह से आपका ये पूरा दे रखा है. तो ये कितनी हाइट राइज हो रहा है, दिस इज राइजिंग सपोज एच हाइट. सो ये वाला जो पोर्शन जहां पर वाटर आ रहा है इसको हम बोलेंगे डाउन कम्स या डाउन कमर. ओके, अब यहां पर क्या होता है, लगातार हीट सप्लाई हो रही है. ये बेसिकली ऐसे से बनाना आपको क्या बता रहा है कि ये एक हीट एक्सचेंजर है. यहां पर क्या हो रही है, इसको हीट सप्लाई हो रही है. तो जब यहां पर हीट सप्लाई हो रही है तो जब एंटर करेगा तब डेंसिटी अलग रही होगी लिक्विड वाली, और जब बाहर निकलता है तो ये ऑलमोस्ट स्टीम वाली डेंसिटी होगी कि रो एस. तो इस पूरे हीट एक्सचेंजर के थ्रू, पूरे हीट सप्लाई के थ्रू इसकी जो डेंसिटी रही होगी, अगर हम उसको कॉन्स्टेंट माने तो वो डेंसिटी हम एवरेज ले सकते हैं. तो एवरेज डेंसिटी जो रही होगी, एवरेज डेंसिटी इन राइजर किसके बराबर होगी, दैट इज डी एम मीन इन इनिशियल, मतलब इनलेट पर डेंसिटी प्लस एग्जिट पर डेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी. तो यहां पर बेसिकली कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यहां पर फ्लूड कितनी डेंसिटी से मूव कर रहा है, एम एवरेज डेंसिटी से. ओके, और कितना हाइट राइज कर रहा है, एच हाइट राइज कर रहा है. तो टू राइज द फ्लूड अप टू दिस लेवल, अप टू दिस हाइट, कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट इज डेल पी, एंड दैट प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल टू रो एल माइनस रो एम जी इंटू एच के बराबर. सो यहां पर ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा,
तो नेचुरल प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी डिफरेंस। ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस सो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो नेचुरली आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है सो ये जो आप देख रहे हो कि ये जो आपका डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा इन ए नेचुरल सर्कुलेशन एंड दैट विल डिपेंड ऑन द डेंसिटी डिफरेंस इन द स्टीम एंड द लिक्विड फेज। ओके सो यहां पर एक पॉइंट आपका है सो दिस प्रेशर डिफरेंस डिफरेंस डिपेंड्स ऑन अपॉन द डेंसिटी डिफरेंस डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर एंड द हाइट ऑफ राइजर वॉल। एज द मेन बॉयलर प्रेशर इंक्रीज तो जैसे जैसे हमारा बॉयलर प्रेशर इंक्रीज होगा एज द मेन बॉयलर प्रेशर इंक्रीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है कि एज द मेन बॉयलर प्रेशर इंक्रीज डेंसिटी डिफरेंस डिक्रीज क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे हम किस रीजन में चल जाते हैं वैसे वैसे हम सुपर क्रिटिकल रीजन में चल जाते हैं बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा वेपर डिक्रीज और एक पॉइंट आएगा जब हमारा प्रेशर सुपर क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो जाएगा एंड एट दैट कंडीशन जो आप नेचुरल कन्वेक्शन है वहां पर आप यूज नहीं कर सकते सो जब आपका कंडीशन वो आ जाती है जब आपका सुपर क्योंकि होता क्या है जैसे जैसे आपका बॉयलर प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप ऊपर 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 जाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर लिक्विड और वेपर की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी और वो पॉइंट होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद आप नेचुरल कन्वेक्शन यूज नहीं कर पाते उससे पहले आपको रोकना पड़ता है क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है बिटवीन लिक्विड और स्टीम जिसकी वजह से आप नेचुरल कन्वेक्शन यूज नहीं कर पाते। सो प्रेशर अबव 150 बार बॉयलर प्रेशर इस प्रेशर के बाद आप यहां पर नेचुरल कन्वेक्शन यूज नहीं कर पाओगे जब आपका हायर बॉयलर प्रेशर होगा सो डू यू कैन नॉट यूज अ नेचुरल कन्वेक्शन सो दिस नेचुरल कन्वेक्शन विल नॉट बी वर्क तो दिस नेचुरल कन्वेक्शन विल नॉट बी वर्क एक छोटा सा इसमें ऐड करना है सो ये जो आप देख रहे हो नेचुरल कन्वेक्शन ये एक सर्टेन प्रेशर रेशियो के बाद यहां पर काम करेगा ही नहीं क्योंकि जैसे जैसे डेंसिटी डिफरेंस आपका कम होता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर डिफरेंस आपका कम होता जाएगा एंड देन देयर इज नो नेचुरल सर्कुलेशन। देयरफॉर फॉर नॉर्मली नेचुरल नेचुरल कन्वेक्शन वर्क बियॉन्ड 150 बार।
अब नेक्स्ट आता है आपका फोर्स्ड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन तो फोर्स सर्कुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, अगर हम पंप लगा के सर्कुलेट कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरली वी विल यूज अ फोर्स सर्कुलेशन अबव 150 बार के अबव जब हमारा बॉयलर प्रेशर हो जाता है, देन वी आर गोइंग टू यूज अ फोर्स सर्कुलेशन टू द सर्कुलेट द फ्लूइड। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, बस यहां पर हमारा बॉयलर ड्रम होगा, ठीक है, यहां से पानी आ रहा होगा, यहां पर हम एक पंप लगा देंगे एंड देन वाटर राइज थ्रू दिस हीट एक्सचेंजर। ओके, सो इट कैन राइज अप टू सर्टेन हाइट, तो इसको हम लोग राइजर कहते हैं, जितनी हाइट ये राइज कर रहा है। ओके, चलिए, ओके, सो यहां तक हम लोग अभी खत्म करते हैं फिर हमारा सेशन, एंड द नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सुपर क्रिटिकल बॉयलर के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सुपर क्रिटिकल बॉयलर। ओके, सो जो मेन दो फंक्शन है नेचुरल, आपको यहां से जो टेक अवे लेना है वो ये है, आपको सर्कुलेशन रेशियो याद होना चाहिए। सर्कुलेशन रेशियो याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सर्कुलेशन क्या होता है, ये किसी को दिक्कत आ रही है इसमें तो अभी पूछ सकता है मेरे से। एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम इन सर्कुलेशन रेशियो एंड बॉयलर ड्रम प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत आ रही है? क्योंकि कल से हम लोग फिर कल वाले सेशन में हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर के बारे में डिस्कस करेंगे, हाई प्रेशर बॉयलर के बारे में डिस्कस करेंगे, बॉयलर की माउंटिंग और एसेसरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एयर प्री हीटर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, और भी बहुत सारी सुपर हीटर हो गया, उन सब के फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज केवल हम लोगों ने बॉयलर कंप्लीट किए और थोड़ा सा हमने जो वाटर बॉयलर होता है उसका एक फंक्शन समझा है, जिसको बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज़ आस्क, एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस कैन आस्क, वेरी फ्री टू आस्क। सो माय डियर फ्रेंड, एक पॉइंट के बाद हम लोग क्या होगा कि नेचुरल सर्कुलेशन तो यूज नहीं कर सकते, तो वहां पर नेसेसरी हो जाता है फोर्स सर्कुलेशन यूज करना। ओके, फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट आएगा हमारा ड्रमलेस बॉयलर, कि अभी हम लोग ड्रम यूज कर रहे थे यहां पर, कि एक ड्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग यहां पर ड्रमलेस बॉयलर यूज करेंगे। इसका मतलब हमें इस ड्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रम की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर हमारा प्रेशर बहुत हाई है एंड इट इज हायर देन अ सैचुरेटेड प्रेशर, मतलब अगर ये क्रिटिकल प्रेशर से भी ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर से भी अगर हमारा प्रेशर ज्यादा है जो कि हाई प्रेशर बॉयलर में होगा, सो देन वी डोंट नीड अ ड्रम। क्यों नहीं जरूरत है ड्रम की भाई, क्योंकि इस प्रेशर के ऊपर लिक्विड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा तो होता नहीं है कि वेपर कंडेंस हो जाएगी या वेपर आपका कंप्लीटली लिक्विड आपका या कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यहां पर जैसे ही आपका लिक्विड हाई टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर के अंदर कॉन्टेक्ट में आएगा, वैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो फिर वहां पर आपको एक कंडेंसर की या एक वाटर स्टोरेज डिवाइस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर वाटर डायरेक्टली हीट एक्सचेंजर ट्यूब के कॉन्टेक्ट में आता है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर डायरेक्टली। सो देर इज नो यूज ऑफ स्टोरिंग डिवाइस, कि वाटर को स्टोर से अलग से करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फिर उस केस में हम लोगों को वाटर ड्रम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर या हाई प्रेशर बॉयलर इज नोन एज ड्रमलेस बॉयलर, वी डोंट नीड अ ड्रम ओवर देयर। क्योंकि हमें ड्रम की कब जरूरत पड़ेगी, जब हो सकता है कि वाटर इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। होता क्या है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूं, एक छोटा सा आपको थ्योरी बताता हूं। यहां पर होता क्या है कि जब वाटर यहां पर सर्कुलेट कर रहा है, ओके, हमने इसको गर्म किया, ओके, स्टीम बन भी गई, मान लो स्टीम बन भी गई यहां पर मान लो, लेकिन अगर आपका जो प्रेशर है, अगर आपका प्रेशर सुपर क्रिटिकल प्रेशर या सैचुरेटेड प्रेशर से या क्रिटिकल प्रेशर से कम है, अगर आप क्रिटिकल प्रेशर से कम पर काम कर रहे हो, तो होता क्या है, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप क्रिटिकल प्रेशर से कम में काम कर रहे हो तो होता यह है कि जब भी जैसे भी आपकी स्टीम का टेम्परेचर थोड़ा भी कम होगा तो आपकी स्टीम यहां पर कंडेंस हो जाती है।
अगर आपकी स्टीम का टेम्परेचर सेचुरेटेड टेम्परेचर से कम होता है या फिर प्रेशर आपका सेचुरेटेड टेम्परेचर से प्रेशर से कम होता है, सो योर स्टीम विल बी कन्वर्ट। आपको पीटी डायग्राम अगर याद हो तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहाँ आपका लिक्विड फेस, ये वेपर फेस, और सॉरी ये सॉलिड फेस, ये आपका लिक्विड फेस और ये वेपर फेस होता है। इसको वापस से मैं बना रहा हूँ। ये आपका पीटी डायग्राम होता है, ठीक है। तो इस पीटी डायग्राम में आपके पास तीन फेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, और ये पॉइंट होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। अब इस पॉइंट के बाद अगर सपोज कहीं पर आपका बॉयलर के अंदर कहीं पर आपका अगर टेम्परेचर कम हो गया, अगर आप इस प्रेशर से नीचे हैं तो कहीं पर आपका टेम्परेचर कम हो गया, सो द बॉयलर के अंदर वेपर से लिक्विड में कंडेंसेशन हो सकता है, और अगर कंडेंसेशन होगा तो उस वाटर को स्टोर करने के लिए तुम्हें एक ड्रम की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर डाउन हुआ, सो योर वेपर विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, बट आफ्टर द क्रिटिकल प्रेशर, आपका प्रेशर चाहे कोई भी डाउन हो जाए, अगर आप क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सो देयर विल बी ऑलवेज अ वेपर कंडीशन। यहां पर प्रेशर कम होने से या फिर टेम्परेचर डाउन, प्रेशर कांस्टेंट होते हुए या प्रेशर डाउन होने से या टेम्परेचर डाउन होने से आपके लिक्विड या जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, यहां पर आपका फेस चेंज नहीं होता, इसलिए आपको ड्रम की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बारे में चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और ढंग से पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। मैं अगर वह वापस से बोल रहा हूँ, उमा, सौरभ, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अभिषेक, एनीबडी हैज एनी डाउट, कैन आस्क? चलिए, सो मैं ये मान के चल रहा हूं सबका सब कुछ क्लियर है, सब बहुत समझदार हैं, ठीक है। सो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, एंड वी विल मीट टुमारो विद द बॉयलर एंड एसेसरीज, और हाई प्रेशर बॉयलर और सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर के बारे में बात करेंगे, और कल उनके फंक्शन भी हम लोग समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास एंड हैव ए नाइस डे। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और फिर कल मिलते हैं हम लोग वापस से नई एनर्जी, नई लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।